Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. ची राम 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 बाबूलाल गौरी जी मैम साहब, यहाँ भगवान राम की फोटो थी ना, उसे हटाकर ये नंगी फोटो किसने लगाई? किसका काम है ये? मैंने लगाई भाभी। क्यों लगाई तुमने ये फोटो? सुबह सुबह देखेंगे तो नहाने का मन करेगा ना भाभी। देखो गिरीश। हाँ देखा। मेरी तरफ देखो, ये घर मंदिर है, यहाँ या तो भगवान राम की फोटो होगी या मेरे पति श्री राम की, उन दोनों के अलावा किसी और की फोटो कभी नहीं लगेगी। अब जल्दी से निकालो उसे। भाभी जी 25 साल की उम्र में 50 की तरह बात कर रही हो? अरे टीवी लगाओ तो भक्ति चैनल, रेडियो लगाओ तो भगवान का गाना। दादी माँ की तरह यह साड़ी, हाथ में आरती, क्या है ये सब? अभी आप जवान हो, मॉडर्न बनो, जींस पहनो, टी शर्ट पहनो। सुनो मिस्टर गिरीश, आप उनके बचपन के दोस्त हैं, काम में भी उनकी मदद करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे घर के मामले में भी आप दखल दें। मैं क्या कह रहा था, ये लड़की कितनी खूबसूरत है ना। ये आपको खूबसूरत लगती है? एक नंबर की बेशरम है, कैसे तस्वीर खिंचवाई है देखो तो। भाभी जी ऐसा मत बोलिए, इसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है। इस तबला अबला के बारे में ऐसा मत बोलिए। आप कैसी बातें कर रहे हैं, ये आपको गरीब लगती है? एक नंबर की बेशरम है। अच्छा अच्छा ठीक है भाभी, इसे यूं निकाला और ये चला। बोलो राम कृष्ण हरि, बोलो राम कृष्ण हरि। सीता सीता, ये नंगी लड़की की तस्वीर यहाँ किसने लगाई? भैया भैया चिल्लाइए मत, मैंने लगाई। किस लिए? भाभी ने कहा ये घर मंदिर है, इस घर को कहीं नजर न लग जाए, इसलिए यह टांग दी। कैसी लगी? इस गंदगी को यहाँ से फेंको। ये आप क्या कह रहे हो भैया, अगर इस तरह हमेशा भक्ति में रहोगे ना तो जिंदगी भर हमेशा बस घंटा बजाते रहोगे, समझे कि नहीं? चुप रहो। इस घर में भगवान राम सीता की फोटो होनी चाहिए या मेरी सीता की, ऐसी अश्लील फोटो नहीं। जाओ निकालो इसे। एक काम कीजिए, आप और भाभी दोनों हिमालय चले जाइए, वहाँ जाके समाधि ले लीजिए, मैं तो इस फोटो की सेवा करते रहूँगा। और जब आपका हिमालय में मन भर जाए तो मुझसे आके आप ये फोटो ले लेना, तब तक मैं इसकी सेवा करता हूँ। तुमने अभी तक इस कचरे को ऐसे ही रखा है, जल्दी से फेंको इसे। मैं तो ले ही जा रहा था, भैया बोलते मत ले जाओ। आपकी पूजा हो गई? कहाँ से होगी, इस ठरकी ने दिमाग खराब कर दिया। एक बात कहूँ, आप ऐसे लोगों से दोस्ती ही क्यों करते हैं, छोड़ दीजिए। उसकी ऐसी की तैसी, मुझे कोई कितना भी बहकाने की कोशिश करे, मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारी ही फोटो रहेगी। आप मुझे कितना प्यार करते हैं। तुम मेरी इकलौती पत्नी जो, तुमसे प्यार तो करूंगा ही ना। छोड़िए ना, पिताजी कहाँ हैं? दूर देश में एक राजा था, उस राजा के 7 बच्चे थे, वो सातों एक दिन मछली पकड़ने गए और राजा के बच्चे मछली क्यों पकड़ेंगे, राजा बंगाली है क्या? अरे तू ये क्या कर रहा है, ला अब ये ब्लेड मुझे दे, ला। जानी ब्लेड से काटोगे तो तुम्हारी उंगली कट जाएगी, अगर तुम्हें इसे काटना है तो ब्लेड से नहीं कैंची से कतर कतर काटो, अभी लाता हूँ। ये लो बेटा, पूरा काट दो दादाजी, पूरा काट दो बेटा, ये सोफा वो सोफा, इस घर के सारे सोफा काट दो। दादाजी ये मछली पकड़ रहा है। हाँ पकड़ने दो। अरे मारे गए, ये क्या किया, अरे ये क्या किया तुमने? दादाजी मुझे माफ। अरे एक मिनट हिलना मत, मैंने जानबूझकर नहीं किया दादाजी, प्लीज प्लीज, मैंने जानबूझकर नहीं किया। अरे मैं तुझे नहीं डांटूंगा, अब संभल के नहीं तो कांच घुस जाएगी। आजा बेटा, मैं सच्ची कह रहा हूं, जानबूझकर नहीं किया। देखूं कहीं लगी तो नहीं, सब ठीक ठाक है दादाजी, मुझे डर लग रहा है। अरे तू इतना डर क्यों रहा है मेरे लाल, एक टैंक तो टूटा है, मैं और ले आऊंगा, ये ले चॉकलेट। दादाजी दादाजी हमें भी चॉकलेट दो ना। मैं किसी को नहीं दूंगा। तो फिर आपने उसे क्यों दी? अगर तुम्हें चॉकलेट चाहिए ना तो इसने जो किया वो करना होगा। अच्छा मतलब चॉकलेट के लिए कुछ तोड़ना पड़ेगा। अब चॉकलेट दीजिए ना, दीजिए ना, दीजिए। अरे ना। नहीं बच्चों, ये सब तोड़ने के लिए मैं तुम्हें चॉकलेट नहीं दूंगा, केक दूंगा। ये लो। सुनिए मूर्ति जी। हाँ बोलो क्या हुआ? स्कूल का टाइम हो गया है, मेरे बच्चों को ले जाना है। अच्छा अच्छा, अरे सुनो अक्षय और ऋतिक, स्कूल का टाइम हो गया, चलो जाओ जाओ। और क्या क्या है देने की? मूर्ति जी स्कूल बस आने वाली है, मैं बच्चों को ले जाऊं? हाँ ठीक है। अच्छा सुनो कटरीना, करीना और प्रियंका, चलो स्कूल जाओ। कल मुझे अपने सलमान और शाहरुख को स्कूल ले जाना है। हाँ क्यों नहीं, अगर नहीं बोलूँगा तो नहीं ले जाओगे क्या? चलो ले जाओ। बुरा मत मानिएगा, शाम को भेज दूंगा। इतनी जल्दी क्यों, इनकी शादी कराने के बाद ही भेजना।
ये क्या हो गया इन्हें? इतना कीमती सामान टूट गया ना, इसलिए रो रहे होंगे। ऐसा सामान फिर से खरीद लेंगे, इतना रोने की क्या जरूरत है पिताजी? मैं इस टूटे हुए सामान के लिए बिल्कुल नहीं रो रहा हूँ, बच्चों के लिए रो रहा हूँ। बच्चे शाम तक वापस आ जाएंगे? हाँ, शाम को आ जाएंगे, फिर चले जाएंगे। अरे सब अपने अपने घर तो जाएंगे ना। अगर उनकी जगह तुम्हारी औलाद होती तो नहीं जाती ना। सिर्फ 3 साल हुए हैं शादी को, इतने में बच्चा कैसे होगा? चुप रहे, तेरे साथ साथ उस रजा की भी शादी हुई थी, उसके आज 6 बच्चे हैं। 3 साल में 6 बच्चे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तीनों बार जुड़वा हुए थे गधे की औलाद। तेरे से 5 साल छोटी अपनी रानी 2-2 बच्चे हाथों में लेकर और एक पेट में लेकर घूमती है। ये सब छोड़, अपने ड्राइवर बाबू की शादी को सिर्फ 2 साल हुए है ना, उसका 2.5 साल का बच्चा है। शादी के सिर्फ 2 साल में 2.5 साल का बच्चा कहाँ से हुआ? अबे गधे, वो एडवांस बुकिंग की औलाद है, वो सब लोग इंटरनेट के जमाने में है, तू पेजर के जमाने में। लेकिन तुम्हारी शादी को 3 साल हो चुके हैं और अब तक मैंने ना बहू को नींबू खिलाया है ना इमली चटाई है, कम से कम कैरी आम चटाने का तो मौका दे। मेरे भोले पिताजी, बस इतनी सी बात से परेशान हो रहे हैं? शाम को ऑफिस से आते आते ये सब उठा के ले आऊंगा और एक एक करके इसे खिलाऊंगा, चखाऊंगा और सब कुछ करूंगा। अरे खिलाना मतलब वो खिलाना नहीं है, बहू के पेट में फल फलना चाहिए, उसके बाद ये सब खिलाना चाहिए। बुढ़ापे में सठिया गया, इसका पेट कोई बागीचा नहीं है फल फूल खिलने के लिए। मेरे साथ बहस मत कर, पहले इसे उल्टी कराने की कोशिश कर। अरे ये एकदम तंदुरुस्त है, ये उल्टियाँ क्यों करेगी? बस कर, जगदीप वाली कॉमेडी बिल्कुल मत कर। उल्टिया कराना मतलब जल्द से जल्द पोता या पोती चाहिए, चलो काम पे जाओ। जल्द से जल्द का मतलब बेडरूम में कोई बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं लगी है? देख, तू बच्चा पैदा करने की मशीन फैक्ट्री में रख या बेडरूम में, मुझे सिर्फ आउटपुट से मतलब है, जिसका मतलब है बच्चा। देखिए पिताजी, आप सीरियलों के बापों की तरह ओवर एक्टिंग मत कीजिए। बेटा मेरी ओवर एक्टिंग को छोड़, जरूरत पड़े तो किसी बाबा की जड़ी बूटी खा ले, लेकिन तुझे जल्द से जल्द इसे बाप बनाना होगा, वरना मैं इस घर में 1 मिनट नहीं रहूंगा। ठीक है, कहाँ रहने वाले बता दीजिएगा, हम भी आ जाएंगे। तुम्हें उनकी बातें बुरी लगी क्या? पिताजी सच तो कह रहे थे। अरे अभी हमारी उम्र ही क्या है। सुनिए जी, पिताजी ने कहा कि हमारे साथ जिनकी शादी हुई थी उन सबके यहाँ आज बच्चे हैं, हमारी ही कोई औलाद नहीं है। अरे मेरी बात सुनो, हमारी उम्र है प्यार करने की और रोमांस करने की, ना कि बच्चे पैदा करने की। बच्चे हो गए तो हम एक दूसरे को वक्त नहीं दे पाएंगे। सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। ओके, मेरी बात सुनिए, क्यों ना हम एक बार डॉक्टर को दिखा दें? सही कहा बहू, ये तुमने काम की बात की। अरे पिताजी ये सब क्या है? अरे आपको शर्म वर्म है कि नहीं, हमारे कमरे में घुसकर सब कुछ लाइव देख रहे हो? मैं लाइव टेलीकास्ट नहीं देख रहा था, मैं सिर्फ रनिंग कमेंट्री सुन रहा था। लेकिन ये क्या तरीका है? मैं तो बस यही सुन रहा था कि तू बच्चा पैदा नहीं करना चाहता, तुझे कोई कमजोरी है, फुल बॉडी टेस्ट करा ले, तू भी खुश मैं भी खुश। कल मैं तुम दोनों को टेस्ट के लिए ले चलूंगा, वहाँ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, रेडी रहना। आइए आइए। हाँ आ गए आ गए, पहले जाओ डॉक्टर को बुलाओ। तो मैं आपको क्या कंपाउंडर लग रहा हूँ? क्या मतलब, तुम डॉक्टर हो? हाँ बिल्कुल। तुम तो कहीं से भी डॉक्टर नहीं लगते, नौटंकी के कलाकार हो, भाड़े के कपड़े जच रहे। पिताजी इनका नाम बहुत बड़ा है, ये क्या बोल रहे हैं? अच्छा क्या नाम है आपका? डॉक्टर आत्माराम। इतना सा नाम है, तुम कह रहे थे बहुत बड़ा नाम है इसका। बड़े नाम से मेरा मतलब था ये फेमस है। अच्छा, लेकिन इसका थोबड़ा तो जाना पहचाना लगता है। ये अपने गिरीश का जीजा है। हमारे डॉक्टर बहुत ही मशहूर हैं, टीवी मैगजीन न्यूज़पेपर हर जगह दिखते हैं, आपने तो इन्हें टीवी पर देखा ही होगा। टीवी पर दिखना कौन सी बड़ी बात है, टीवी पर तो आजकल कार्टून शोज भी हिट है। आप आइए डॉक्टर, टेस्ट शुरू कीजिए। एक मिनट रुको, ये तुम्हारा टेस्ट करने से पहले इसका टेस्ट मैं करूंगा, मैं तुझसे कुछ सवाल पूछूंगा, तुझे उसके जवाब देने होंगे। हाँ पूछिए ना। हाल ही में बाइकला में जिस डॉक्टर ने अपने मरीज के पेट में कैंची छोड़ दी थी, कहीं तू वही तो नहीं? हाँ। आजकल हमारे शहर में किडनी बेचने और खरीदने का जो रैकेट चल रहा है, कहीं तू उस गिरोह का लीडर या बॉस तो नहीं है? हाँ। तीसरा सवाल, तुम पैसे देकर ऐसे वाले डॉक्टर बने हो या मेहनत करके ऐसे वाले? पिताजी जरा होश में आइए, हम यहाँ अपना टेस्ट करवाने आए, इनका टेस्ट नहीं। डॉक्टर आप आइए। थैंक यू। सुनो, टेस्ट ध्यान से अगर नहीं किया तो तुम्हारी फोटो पे मैं हार चढ़ा दूंगा। जीजा जी, भैया की रिपोर्ट्स आ गई क्या? हाँ आ गए। जो भी है जरा जल्दी बताइए, पिताजी बहुत उतावले हो रहे हैं, उन्हें खुशखबरी दे देता हूँ। खुश होने जैसी कोई बात नहीं है श्रीराम। क्या? धीरज से काम लेना, तुम्हारी पत्नी के गर्भ में प्रॉब्लम है, वो कभी माँ नहीं बन पाएगी। कहीं टेस्ट में कोई गड़बड़ तो नहीं, किसी और डॉक्टर के पास जाए क्या? कोई फायदा नहीं होगा, हमने सारे टेस्ट करके देख लिए हैं, इस जन्म में तो वो कभी भी माँ नहीं बन पाएगी। अगर ऐसी बात है तो तुम दूसरी शादी करो। पिताजी ये आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं सही कह रहा हूँ, बिना बच्चे की इस पांच औरत को तुम्हारी बीवी और इस घर की बहू कहलाने का कोई हक नहीं है। जो औरत माँ बनने के काबिल है, सिर्फ वही औरत इस घर में बहू बन के आ सकती है। सीता मेरी जान है,
मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। जानता हूँ मैं, इसलिए तुम्हारी बात मान कर बिना दहेज के गांव से मैं इस गरीब को तुम्हारे कहने पर घर लेकर आया। मेरे होते हुए आप इनकी दूसरी शादी करवाएंगे? तो उसमें गलत क्या है? दुनिया की कोई भी लड़की पहले किसी की बीवी बनती है, उसके बाद माँ, और अगर वो बीवी माँ बनने के काबिल ना हो तो उसके पति को हक है कि उस औरत को छोड़कर दूसरी पत्नी ब्याह के लाए। पिताजी चुप रहे, अगर ये बच्चा पैदा नहीं कर सकती तो इसकी वजह से मेरा वंश खत्म हो जाएगा। मेरे पूर्वजों ने मुझसे कहा था कि मुझे अग्नि देने के लिए मेरा बेटा है, कल तुझे अग्नि देने के लिए तेरी कोई औलाद होनी चाहिए। मैं अपनी बीवी को नहीं छोड़ूंगा। तुझे छोड़ना पड़ेगा, ये कहने का आपको कोई हक नहीं। बाप होने के नाते मुझे वो हक है। मेरे दादा मेरे पिता के जरिए, मेरे पिता मेरे जरिए, मैं तुम्हारे जरिए इस वंश को बढ़ाते आ रहा हूँ, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि ये वंश आगे ना पड़े। आपके कहने पर मैं दूसरी शादी कर भी लूँ तो क्या गारंटी है कि उसे बच्चा होगा ही? अगर वो वंश निकली तो तीसरी शादी कराऊंगा, तीसरी वाली भी वंश निकली तो चौथी कराऊंगा, लेकिन इसके साथ तुम्हारा संसार नहीं बसने दूंगा। ऐसे क्या देख रही है? मेरे बेटे का बांधा हुआ मंगलसूत्र वापस दे। इस मंगलसूत्र के बिना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। अगर चाहिए तो इस घर में उसकी रखेल बनकर पड़ी रहे, दो वक्त की रोटी दे दूंगा, कभी दिल आया तो वो तेरे पास भी आ जाएगी। याद रखिए, अगर ये कोर्ट में चली गई तो हम दोनों सड़क पर आ जाएंगे। कानून में भी लिखा है कि अगर पहली बीवी से बच्चा नहीं हुआ तो दूसरी शादी करने की तुम्हें पूरी पूरी आजादी है। एक बात आप मेरी भी सुन लीजिए, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं इनकी दूसरी शादी नहीं होने दूंगी, मेरी जगह कोई और नहीं ले सकती। तो तुम खुदकुशी कर लो, तुम्हारे मरने के बाद इसकी दूसरी शादी करा दूंगा। सीता। भैया क्या हुआ? सीता भाभी को क्या हुआ, इतने बेचैन क्यों हो? नहीं कुछ नहीं। सलाम साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सुनो गोविंद, एक घंटे तक किसी को अंदर मत आने देना। ठीक है सर। हेलो, डॉक्टर आत्माराम बोल रहे हैं? मैं राम बोल रहा हूँ, कुछ देर के लिए क्या आप मेरे ऑफिस आ सकते हैं? थैंक यू। भैया आप इतने उदास क्यों हो? बच्चे को लेकर। मेरे पागल जी जाने का नहीं होगा। यही तो टेंशन है, अगर ये बात पिताजी को पता चली तो वो मुझे सीता को छोड़ने के लिए कहेंगे, और अगर सीता को पता चला तो वो मर जाएगी। तो अब क्या करेंगे? बोल दीजिए प्रॉब्लम मुझ में ही है, तो सीता पर कोई उंगली नहीं उठाएगा और मेरे पिताजी भी शांत हो जाएंगे। अरे तब तो और मुश्किल हो जाएगी ना। क्यों? वो इसलिए, अगर उनको बताएंगे कि प्रॉब्लम आप में है तो कहीं इस सब में से वो जान ना दे दे। ठीक कह रहे हो, अब क्या करें? ऐसा कुछ करते हैं जिससे थोड़ा कंफ्यूजन हो। अरे खुल के समझाओ ना जीजू। मैं कह रहा था कि हम ये साबित करेंगे कि प्रॉब्लम इनमें है और दवाइयाँ खाने से प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, और इनको रेगुलर चेकअप के लिए आना होगा। हो सकता है इस बात से वो थोड़ा घबरा जाए, लेकिन हमें वक्त मिल जाएगा। उसके बाद हम कहेंगे ये दवाई काम नहीं कर रही है, दूसरी दवाई लेनी पड़ेगी। ऐसे 4-5 महीने निकल जाएंगे, उसके बाद कोई अच्छा मौका देखकर हम उन्हें सच सच बता देंगे। हो सकता है इतने दिनों बाद उन्हें धक्का न लगे। ये बहुत अच्छा आइडिया, ये बात मेरे पिताजी और मेरी पत्नी से कह दीजिए। तेरा दिमाग तो ठीक है ना, तू डॉक्टर है कि नहीं? अगर आपको इतना ही शक है तो मैं आपका बाईपास करता हूँ। अगर आप जिंदा बच गए तो मैं डॉक्टर हूँ, ये आपको पता चल जाएगा, और अगर आप टपक गए तो मैं मान लूंगा कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। अब तो खुश? अपनी बकवास बंद कर, इन बेकार दवाइयों से बच्चा क्या खाक पैदा होगा? बस आंख से आंख मिलाकर गर्भवती बना देते हमारे जमाने में। पिताजी आपका और हमारा जमाना अलग है। आज का जमाना कंप्यूटर का जमाना है। डॉक्टर साहब। हाँ बोलिए। इन दवाइयों से फायदा तो होगा ना? दिन में 3 बार इनको ये दवा खिलाना, कुछ ही दिनों में आपको खुशखबरी मिलेगी, गारंटी मेरी। सीता सीता। हाँ आ रही हूँ, ये लीजिए। मुझे अभी ये नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। छूना मत। क्यों? मैं तुम्हारा पति हूँ ना। मैं माँ बन जाऊँ इसीलिए अब से मैंने 1 महीने का व्रत रखा है। ओ मेरी प्यारी पत्नी जी, अगर तुम इसी तरह महीने में 30 दिन कोई ना कोई व्रत रखती रहोगी तो मुझे ये बताओ कि हमें बच्चा कहाँ से होगा। आपको पता है सुबह सुबह जल्दी उठ के स्नान करके पूजा करनी होगी, दिन में 1 बार खाना खाना होगा, और ये हमें 30 दिन तक करना होगा। अगर ऐसा करेंगे तो जल्दी ही बच्चा होगा। ऐसा करने से तुम बीमार भी पड़ जाओगी और बच्चा भी नहीं होगा, समझी? वैसे प्रॉब्लम मुझ में है तो तुम पानी में भीग कर तकलीफ क्यों उठा रही हो? दूध घी और मक्खन खाओ दबा के। नहीं नहीं ऐसा मत बोलिए, पाप लगेगा आपको, 30 दिन की तो बात है। चलिए अब जल्दी से दवाई पी लीजिए ना। इसे पीने से बच्चा हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। ये मैं कैसे पीऊं? आप ऐसा मुंह क्यों बना रहे हैं? दवाई बहुत कड़वी है क्या? अरे नहीं नहीं ये बहुत मीठा है, गुड़ की तरह। अब जरा एक बात बताओ, ये काढ़ा पीने से उल्टी तुम्हें होगी या मुझे? पिताजी पिताजी सुनिए, वो उल्टी कर रहे हैं। अरे क्या बात है, क्या बात है।
अरे मुबारक हो मेरे शेर, मुझे दादा बनाने के लिए और अपनी पत्नी को माँ। ठीक, बुढ़ापे में सटिया गए, ये गंदा काढ़ा पीने से उल्टी मुझे हुई, तो ये प्रेग्नेंट कहाँ से हुई? ये बात तो सही है, उल्टी बहू को होनी चाहिए थी, इसे कैसे हो गई? मैं इमोशन के भाव में बह गया। क्या क्या लाई है? मैं सब कुछ लेकर आई। मेम साहब, आपसे एक बात पूछनी है। पूछ सकती हूँ? हाँ पूछो। सुना है आपके मर्द में गड़बड़ है। अरे ये तुझे कैसे मालूम? अरे मेरे को ही क्या, पूरे मोहल्ले को मालूम है, आपके ससुर जी ने तो बोला है। तेरा बाप भी ना पिछले जन्म में जरूर औरत होगा, इनके पेट में कोई बात टिकती नहीं है। वो तो आप पीछे जो इस घर में अब तक टिकी हैं, दूसरी कोई होती ना तो कब की भाग गई होती यहाँ से। ए भाई, तुम यहाँ सब्जी बेचने आई हो या फालतू की बकवास कर रहे? सब्जी दो और चलती बनाओ। देखा आपने, ऐसे सिर्फ बीमार लोग भड़कते। देखो लोग जितना सोचते हैं ना, ये उतने भी बीमार नहीं है। मुझे पता है ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। तुम एक किलो आलू दो। ऐसी बीमारी में आलू खिलाएंगी तो ठीक नहीं होंगे, सींग खिलाओ। ये सब क्या है सीता? ये सींग की दाल है, ये सींग फ्राई है, ये सींग मसाला है और ये सींग का सांबार है, और इतना ही नहीं सींग का अचार और रायता भी है। अच्छा, सींग का पानी और सींग का चावल कहाँ है? मुझे पता था आप पूछेंगे, इसलिए वो भी बनाया है। तुम्हें अच्छी तरह पता है ना कि मुझे सींग पसंद नहीं है, इसलिए अब तक मैं दादाजी नहीं बन पाया। आज से तुम्हें रोज खाने में सींग खाने पड़ेंगे, नहीं तो तुम्हारे शरीर में जो कमियां हैं वो निकल जाएंगी। कमी नहीं निकलेगी, मैं ही निकल जाऊंगा। नहीं नहीं आप ऐसा मत बोलिए। बहू बातों में भूल गया था, कल से नाश्ते में जो भी कुछ बनाओगी ना उसमें सेंग जरूर डालना। तो आपने ठान लिया? हाँ हाँ ठान लिया है, अब चुपचाप खा। कैसे खाऊं मैं ये सब? वाह यार, हाथ में नहीं वाला लो, मुँह में डालो। मैं नहीं खाऊंगा। सुनिए ना, खा लीजिए प्लीज। मजे लेकर खाओ, इसे खाने के बाद बच्चा जरूर पैदा होगा। बच्चा नहीं सिंह पैदा होगा। आप जल्दी खाइए ना। हाँ, ये ले मुंह पोछ ले पिताजी। अरे रॉन्ग नंबर, बीवी वहां पे है। चला आजा आजा आजा, मेरी जन्म कहाँ चली। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, तुम कौन हो? वॉचवुमन हो सर। वॉचवुमन हो? हमारा धन सिंह कहाँ? उसे निकाल कर मुझे रख लिया है। किसने? बिग बॉस ने। कौन है वो बिग बॉस? पता नहीं, बस रात को फोन आया था। ये सब क्या हो रहा है, मैं अभी देखता हूँ। गोपाल गोपाल गोपाल, गुड मॉर्निंग सर। हाय, नमस्ते जी। सब क्या हो रहा है, ये मैं कहाँ गया? शायद गलत ऑफिस में आ गया। ओह माय गॉड, आई एम सॉरी। कहाँ जा रहे हैं आप सर? मुझे लगा ये मेरा ऑफिस है। आप ही का है सर। ये मेरा ऑफिस है तो तुम लोग कौन आए? आपका स्टाफ है। मेरा स्टाफ है, लेकिन मेरे स्टाफ में तो सब मर्द है। उन्हें निकाल कर हमें अपॉइंट किया है। किसने किया ये सर? बिग बॉस ने। कौन है ये बिग बॉस? पता नहीं सर, रात को उनका फोन आया था। रात को फोन आया था? रात को, मैं अभी देखता हूँ। अबे गोपाल, गोपाल, अब तुम कौन हो? बिग बॉस ने गोपाल की जगह मुझे रख लिया है सर। तुम्हें भी बिग बॉस ने फोन किया था? मैनेजर मैनेजर, बिग बॉस कौन है ये बिग बॉस? बिग बॉस मैं हूँ, तेरे बाप ने ये सब फिक्स किया है। ये सब आपने किया? मेरी परमिशन के बिना आपने? आफ्टर ऑल तू एक पिद्दी सा एमडी है, आखिर तेरी परमिशन किसको चाहिए? ये कंपनी मेरी है, इस कंपनी का मैं अकेला मालिक हूँ। अगर तूने मेरा हुक्म नहीं माना तो मैं तुझे इस कंपनी से निकाल सकता हूँ, है कि नहीं? उन मर्दों को निकाल कर इन औरतों को क्यों रखा? ये भरोसेमंद है इसलिए, जरा देखो ये कितनी मासूम और खूबसूरत लग रही है। क्या मासूमियत और खूबसूरती नहीं, काम करने वाले लोग चाहिए। पागल, ये बहुत ही बढ़िया काम करती है, एक बार काम करवा के देख, और मैं इसके आगे कुछ नहीं सुनने वाला। यही तो सबसे बड़ी समस्या है पिताजी, इतनी सारी औरतों के बीच कैसे रहूंगा, कैसे बात करूंगा, कैसे काम करवाऊंगा इनसे। जैसे चाहे करवा ले, बात कर, कुछ भी कर, लेकिन काम पूरा। आप मेरी बात नहीं समझ रहे, औरतों की अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, मैं उनके साथ फ्रीली कैसे रह सकता हूँ? तेरी पत्नी भी तो औरत है, उसके साथ तो फ्री है। उसके साथ तीन बार स्वागत मना चुका हूँ, इसलिए फ्रीली रह रहा हूँ। तो इनके साथ भी तू केयर फ्री हो जा। एक बात बताइए, क्या आप मेरे असली बाप हैं? तुझे अचानक ये शंका कैसे आ गई? और नहीं तो क्या, कोई बाप अपने बेटे से इस तरह बात करता है? हाँ करता है, अपने बेटे से एक बेटा पैदा करवाने के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ, और ये सब उसी काम के लायक है, इसे रखा है। आपको पोता देने के लिए सीता है ना? सीता बांझे बेटा। क्या हुआ, ऐसा लग रहा है कि तूने अचानक बाप की मौत की खबर सुन ली हो, ये रंग क्यों उड़ गया, फ्लैशबैक में चला गया है क्या?
मैंने डॉक्टर से सारी सच्चाई जान ली है। तेरा सीता के साथ जो प्रेम है ना, वो सिर्फ प्रेम तक ही सीमित रहेगा, उससे बच्चा नहीं होगा। इसलिए तू जल्द से जल्द दूसरी शादी कर ले और मुझे दादा बना दे। मतलब मैं सीता को धोखा दूं? नहीं, मेरे साथ न्याय कर। उसे तलाक देने के लिए नहीं कह रहा हूँ, उसे हमारे घर में ही रख और इनमें से एक को अपना कर मुझे जल्द से जल्द दादा बना दे। इसे तो अच्छा होगा मैं मर जाऊं। मर के तुझे क्या हासिल होगा है? तेरे मरने से पहले मैं तेरा घर बसाऊंगा और तुझे बाप जरूर बनाऊंगा। देखिए मिस हूर परियों, सब अपना अपना जादू दिखाकर मेरे बेटे को पटा लो। तुम में से जो पहले इस काम को पूरी तरह अंजाम देगा, उनको जो कुछ भी चाहिए वो मिलेगा। मुझे दादाजी बनाने के लिए मुझे तुम सबकी जरूरत है। अब और देर ना करते हुए अपने प्यार के जाल में उसे किसी भी तरह फंसाओ। प्रोसीड। मेरे बेटे ने मेरा सपना पूरा कर दिया, मेरा घर बच्चों से भर गया है। नर्सरी स्कूल से ज्यादा बच्चों की खिलखिलाहट की आवाज आ रही है। मेरा सपना पूरा हो गया। पिताजी, बच्चे बच्चे कहाँ चले गए? मेरे आप चिल्ला रहे थे पिताजी, सपना देख रहे थे। और नहीं तो क्या, मुझे लगता है कि पोतों को देखना अब सिर्फ सपनों में ही नसीब होगा। तुम्हारा नालायक पति कहाँ गया? ऑफिस गए हैं। मुझे बैंकॉक की टूरिज्म फाइल दिखाओ। देखिए ना, मैंने फाइल दिखाने को कहा, प्रोफाइल नहीं, पल्लू ऊपर करो। क्या हमेशा काम काम, थोड़ा यहाँ हाथ मत लगाओ। डोंट टच, तुम्हारा छुओगे तो मार डालूंगा। निकलो यहाँ से, चलो चलो, निकलो निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, चलो चलो सभी निकलो, निकलो यहाँ से, चलो सबके सब, कोई दिखाई नहीं दे रहा मेरे ऑफिस में। चलो तुम भी, ए तुम क्या देख रहे हो, चलो हद हो गई है, चलो चलो। सब लोग रुक जाइए, रुक जाइए। तुम्हें नौकरी से निकालने का किसी को अधिकार नहीं है। सब अपने काम पे वापस जाओ। चलिए चलिए अपने डेस्क पे जाइए, चलिए 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 आइए। रुक, चलिए मेरी बात सुनिए। आप मेरे बाप हैं या इन सारी लड़कियों के लीडर? मुझे लीडर कहो या रीडर कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे एक पोता चाहिए और वो मैं कैसे भी हासिल करके रहूंगा। देखिए, रिपीट टेलीकास्ट मत कीजिए, मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूँ, सीता के अलावा किसी और के बारे में सोचूंगा ही नहीं। आपको जो करना है कर लीजिए। ओके, अगर तुम्हें ये रिपीट टेलीकास्ट लगता है बेटा, तो मैं प्रोग्राम ही चेंज कर देता हूँ। ये सिनेमा हॉल में टपोरी की तरह सीटी क्यों बजा रहे हैं? हीरोइन की एंट्री के लिए बेटा। इतनी औरतें कम पड़ गई थी जो आपने इन्हें भी बुला लिया? बेटा ये औरतें तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए आई है। आपके लिए? हाँ। इनमें से तुझे कौन पसंद आई बोल? किस लिए? मैं दोबारा शादी करने वाला हूँ। क्या कहा, शादी? ये क्या बकवास कर रहे हैं पिताजी? अब तेरी बात नहीं सुनने वाला। इनमें से तुझे कौन पसंद आई बोल? मैं जल्दी से शादी करूँगा और उसके बाद मैं इनमें से एक को गर्भवती बना के तेरे लिए एक हैंडसम सा भाई पैदा करूँगा। उसकी शादी करवा के उसके द्वारा मैं दादाजी बनूंगा। चलिए ना जल्दी से शादी कर लेते हैं। शादी करेगी तेरी तो बर्बादी कर दूंगा। निकल निकल यहां से, धिक्कार है आप पर। अरे इन्हें निकालेगा तो मुझे क्या और नहीं मिलेंगी? मंदिर में भगवान के सामने तुझे बिना बताए शादी कर लूंगा। पिताजी आप मेरी बात नहीं। कुछ नहीं सुनूंगा। तू दूसरी शादी करके मुझे पोता दे या मैं दोबारा शादी करके तेरा एक भाई पैदा करूंगा, उसके बाद पोता होगा। ठीक है, आप शादी कर लीजिए, मैं आशीर्वाद दे दूंगा। नहीं, तुझे मेरी बात मान नहीं होगी। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या? पी लीजिए। ये कौन सी दवाई है? चूहे मारने की दवाई है। काफी अच्छी दवाई थी। हाँ, क्या ये चूहे मारने की दवाई थी? हाँ बिल्कुल। इसे पीने से तो आप मर जाएंगे ना। तू नहीं तो मुझे पानी में मिलाकर पिलाया है। लेकिन इस बात का मुझे क्या पता था, पहले बोलना चाहिए था ना। पागल समझा हुआ है क्या? अरे बाप रे, अब मैं क्या करूँ? इस माचिस से मेरी अर्थी को आग लगा देना बेटा। पिताजी 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 डॉक्टर डॉक्टर, पिताजी कैसे हैं? उनके बारे में क्या कहूँ, वो तो एकदम लल्लन टॉप है। हालत तो हमारी खराब है। क्यों, क्या हुआ? होने को बचा क्या? उन्होंने मुझसे कहा कि तूने मुझे बचाया क्यों, और नर्स के हाथ से डेटॉल की बोतल छीनकर कोल्ड ड्रिंक की तरह कटाकट पी गए। मर गए क्या? अरे नहीं, उसकी दवाइयाँ देख कर उन्हें बाथरूम भेजा, अंदर 5 लीटर की फिनाइल को फ्रूट जूस समझ कर कटाकट पी गए। तो मर गए ना? अरे नहीं थे, उसके लिए भी हमने दवाइयाँ देकर उन्हें बेड पर सुलाया, फिर हमसे ऑपरेशन की छुरी छीन कर अपने पेट पर घोपने लगे। तब तो वो पक्का मर गए होंगे। अरे नहीं रे, अभी भी नहीं मरे। जब हम उनके पेट में टाका लगा रहे थे ना, तब उन्होंने नर्स की हेयर पिन छीन ली और अपनी आंखों में घुसड़ने लगे। हमने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने हमें हटाकर प्लग में अपनी उंगली डाल दी। बाबूजी आपने ये क्या किया, अपने आप को करंट लगाकर इस दुनिया से चले गए। तब भी उनको कुछ नहीं हुआ रे,
करंट प्लग में उंगली डालते ही अंदर का फ्यूज उड़ गया। आखिर हमने उन्हें बेड से बांध दिया। अंदर जाके देख लो, धर्मेंद्र की तरह बंधे हैं। बाप ने कहा था डॉक्टरी मत करना। पिताजी सुनिए, आप इनका ख्याल रखिए। क्यों, क्या हुआ? इन्हें हम मरने नहीं दे रहे, इसलिए इन्होंने नाक से सांस लेना बंद कर दिया। पिताजी, पिताजी, बाबूजी, 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 ये क्या किया आपने? ऐसा क्यों कर रहे हैं? सांस लीजिए पिताजी, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा, प्लीज। तो अभी की अभी दूसरी शादी कर ले। लेकिन अभी कैसे कर सकता हूँ, लड़की मिलनी चाहिए ना। यू डोंट वरी, इस शहर में कुंवारी लड़कियाँ बहुत हैं। अगर कोई पसंद ना आए तो इस खूबसूरत नर्स से इसी वक्त शादी कर ले। लेकिन करना जरूर। मैं ये कह रहा हूँ, मैं 20 दिन के लिए नेपाल जा रहा हूँ, जैसे ही वहाँ से वापस आऊंगा ना तो फौरन शादी कर लूंगा। ठीक है, तुम्हारे लौटने तक मैं ऐश्वर्या जैसी किसी हूर को ढूंढ कर रखूंगा। ऐश्वर्या को ढूंढो या मल्लिका को, आपकी राय से शेर की वाट तो लगेगी। अबे ओ फटीचर, तुझे अपने साहब के साथ नेपाल जाना होगा। जरूर। ये गधा वहाँ क्या करेगा? ये गधा वहाँ पे तुम्हें रिमाइंडर दिलाता रहेगा बेटा कि शादी कर लो। भैया बहुत ठंड लग रही है। पूरा इलाका बर्फ से ढका है तो ठंड नहीं लगेगी? ये सब देख के एक झकास आइडिया आया है। वो क्या? यहाँ जितनी भी बर्फ है सब ट्रक में भर के अपने यहाँ ले जाके बेचेंगे तो बहुत पैसा आएगा। ये आइडिया भी तेरी तरह बिल्कुल बकवास है। बकवास क्यों? जब तक ट्रक वहाँ पहुँचेगा सारी की सारी बर्फ पिघल जाएगी। अपना आइडिया अपने पास रख और जल्दी चल। आई एम श्रीराम, MD ऑफ सीताराम ट्रेवल्स। नमस्ते सर, नमस्ते सर। ये काला भैंसा कौन है? ये हमारा ब्रांच मैनेजर है। पर ये ऐसे उछल कूद क्यों कर रहा है, इसे कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर, हमारे यहाँ नमस्ते ऐसे ही करते हैं। अच्छा, तो मैं भी तुम्हें नमस्ते करता हूँ। नमस्ते, नमस्ते। अब ये सब बाद में, चलो जल्दी। आइए आइए सर। तुम हिंदी अच्छी बोल लेते हो। मैं हिंदुस्तान का ही हूँ सर। 10 साल पहले साहब ने मुझे यहाँ भेज दिया था, तब से मैं यहीं बस गया हूँ। अच्छा वो सब छोड़ो, तुम भले ही रहते हो यहाँ पे लेकिन हो तो हिंदुस्तानी ही ना, यानी कि मेड इन इंडिया। सर चलिए चलिए। थापा डिक्की खोनू होस, आप बैठिए सर। हाँ आराम से आराम से। की भयो? रिपेयर बायो, उरे अमरीका। हाँ, ठीक है ठीक है। क्या कह रहे हैं? खराब है, 10 मिनट में ठीक हो जाएगी। भैया तब तक नजारा देखते हैं। हाँ चलो। वाह वाह, क्या कमाल की जगह है। क्यों, शूटिंग करनी है क्या? नहीं, सुसु करनी है। बड़ी देर से रोक के रखी है मैंने। इतना रोकने से अच्छा तो फ्लाइट में कर लिया होता। फ्लाइट में तो कर सकता था लेकिन मैंने सोचा कि नीचे लोगों पर न गिर जाए। ओ लगता है जम गई है, कोशिश करता हूँ शायद बर्फ ही निकल जाए। अरे बाप रे बाप, भैया देखो ना, मैंने सिर्फ चेन खोली और ये लोग मारने चले आए। चलो यहाँ से भागते हैं। ये क्या बकवास कर रहे हो? हमारे यहाँ ड्रिंक एंड ड्राइव मना है, वैसे ही शायद यहाँ सुसु करना मना हो। दिमाग खराब है क्या? जरा देख तो, वो लड़की उस बकरी के पीछे क्यों भाग रही है? बकरी भाग रही है और वो उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रही है। तुझे कैसे पता? तुझे नेपाली तो नहीं आती? भावनाओं को समझने के लिए समझदार होना चाहिए, भाषा जानने की कोई जरूरत नहीं। शुरू हो गया, तेरी बकवास बातें बंद नहीं हो। अरे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। फेंक मत, चलो बकरी पकड़ के लड़की की मदद करते हैं। रुक जाओ, मैं पकड़ लूंगा, तू फिकर मत करो। ये पकड़ लिया। जाओ जाओ। पकड़ लिया ना, क्यों चिल्ला रही हो? ना समझ ना समझ, लिली माता जी छोड़ दो छोड़ दो। बाबू तबाले धीरे धीरे धन्यवाद। बाजी बाजी तेरे नाम मेरा, तेरे छोड़ दो। उधर जा, देवताले ना चले तेरा ब्याह होते ना बुझिस। बाजी बाजी, अन्याय करेला मेरा बाकरा ने मारा देसी, तेरा भगवान ने माफ कर देना। अरे गिरीश ये क्या कह रही है? हमने उसकी बकरी को पकड़ लिया ना, इसलिए थैंक्स कह रही है। मेरा बाकरा ने मारे को, बाप ने तने छोड़ देना। थैंक्स तो नहीं बोल रही है, शायद गाली दे रही है। आप भी ना भैया, सीधा साधा थैंक्स ही तो बोल रही है वो। जाओ। आप लोगों को हिंदी आता है? अरे तुझे कैसे पता बे? हम हिंदी में ही तो बात कर रहे हैं बेवकूफ। वैसे आप कौन है? मेरा नाम सुरेश अय्यर है, पहले मैं बम्बई में था। फिर तू यहाँ क्या कर रहा है? वैसे यहाँ नेपाल में तू काम क्या करता है? देखो साहब,
मैं यहाँ पे वॉचमैन का काम करता हूँ। वॉचमैन का काम? हाँ? वो भी यहाँ पर? हाँ? ये तो बड़ा गजब हो गया। यहाँ के लोग वहाँ जाकर वॉचमैन का काम करते हैं और तू वहाँ से यहाँ आकर वॉचमैन बन गया। यहाँ के वॉचमैन अपनी बीवियों को छोड़कर वहाँ जाके नौकरी करते हैं, तो मैं यहाँ उनकी बीवियों की रक्षा करता हूँ। मतलब वो वहाँ डे की ड्यूटी करते हैं और तू यहाँ नाइट ड्यूटी करता है। अब हंसना बंद करो और ये बताओ कि वो लड़की हमें क्या बोल कर गई? ओ, बात ये है कि काफी दिनों से उस लड़की की शादी नहीं हो रही है। इनके समाज के हिसाब से कुल देवता को एक बकरी की भेंट देने से उसकी शादी हो जाएगी। अब जिस बकरी को ये लड़की पाल रही थी, उसी बकरी को ये लोग भेंट देने के पीछे पड़े हैं। लड़की ने कहा मैं शादी नहीं करूंगी और फटाफट बकरी को खोला और उसको भगा दिया। इतने में आप लोग आ गए, उस बकरी को पकड़ा और उन्हें ही दे दिया, इसीलिए वो रोते रोते गई और आप पे भड़क रही थी। पर थोड़ी देर पहले बकरी पकड़ो करके चिल्ला रही थी वो लड़की। पकड़ो पकड़ो नहीं चिल्ला रही थी, तो भागो भागो चिल्ला रही थी। ओ, हाथ का इशारा देखकर मुझे लगा पकड़ो पकड़ो। तू अपना दिमाग कुछ ज्यादा ही चलाता है। फिर मिलता हूँ सब। अबे गधे, तेरी वजह से वो लड़की रोते हुए चली गई। कितनी मासूम है वो। ये बात आप कैसे जानते हैं? अपनी शादी कुर्बान करके बकरी को बचा रही है, उससे पता चलता है कि वो कितनी अच्छी है। ये ले, ये पैसे उन लोगों को देकर कुछ भी करके उस बकरी को वापस ले आना। चल जा। ठीक है, मैं उड़ के गया और चल के आया। ठीक है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तुम उस जगह बात न कर। आप चिंता मत कीजिए, हमारा गिरीश बकरी को लाने गया है। रुको रुको, इसे मत मारो। अबे वॉचमैन, इनसे बोलो कि बकरी को ना मारे, पैसे मैं देता हूँ। के बंदिचा? बाकरा को पाटा ले ना मारनो बंदिचा। इसलिए ना मारी कारा अमरो मनीषा को ब्याह होते ना का? ये बुढ़ा क्या बकबक कर रहा है? अरे अगर इसकी भेंट नहीं चढ़ाई तो इनकी पोती का ब्याह नहीं होगा। अभी शादी क्या क्या करे? इनसे बोलो कि हमारे भैया करेंगे शादी। क्या बात कर रहे हैं, वो करेंगे? तेरी कसम खाता हूँ। लेकिन इतनी जल्दी कैसे? अभी अभी तो उस लड़की को देखा है। वही तो, उन्हें पहली नजर में प्यार हो गया। शादी करूंगा तो उसी लड़की से करूंगा, वरना अपनी जान दे दूंगा। ये सब ठान के वहाँ पर बैठे हैं वो। अच्छा तो इस लव स्टोरी में और क्या क्या हुआ? अबे पूरी कहानी सुनाने का टाइम नहीं मेरे पास। इनसे कहो कि भैया शादी कर लेंगे, बकरी मुझे वापस दे दे। तेरो नात मिले उसको साथ लिए बिया कर सारे बाकरा ले मंदिचा। ए होरा, भगवान मेरो नातनी भागी बनी हो, मेरो नातनी ने रक्षा करे हो, तब पहले धीरे धीरे धन्यवाद। योली होस, धन्यवाद, धन्यवाद। सेम टू यू, थैंक यू वेरी मच। बाद में मिलता हूँ वॉचमैन। वैसे तो मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, लेकिन आज झूठ बोलकर तुम्हारी जान बचाई है मैंने। पता नहीं वो लड़की भैया का क्या हाल कर रही होगी। अरे दो मिनट के लिए जरा चुप हो जाओ, वो अभी आता ही होगा। मैं करते हुए बकरी भी आती होगी। अब तक कितना चिल्ला रही थी, बकरी को देखते ही ऐसे खुश हो रही जैसे पुराना रिश्तेदार मिल गया। बहुत बड़ी किली किली है। हाँ, अब तो ठीक हो ना? अरे वाह, पसीना बहा के बकरी को मैंने छुड़ाया और इनाम आपको मिल रहा है। मेहनत मेरी और फल आपको। अब ये नाटक बंद कर और ये बता, इतनी आसानी से ये बकरी कैसे ले आया? आप मुझे बेवकूफ समझते हो, लेकिन जैसा मैं दिखता हूँ वैसा हूँ नहीं, समझ गए ना? तेरा ड्रामा देख कर मुझे लग रहा है कहीं तो कोई खतरनाक कांड करके तो नहीं आया। बस शादी पक्की की है। पर किसकी शादी है? ना 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 ना, मैंने कहा कि लड़की की शादी जरूर होगी, बस ये कह के बकरी को छुड़ा लिया। मनीषा रानी, मनीषा रानी, मनीषा रानी, तलाइयो कैटले बिया कच्चा रे। गिरीश, मुझे देखकर ये शर्मा क्यों रही? किली किली को वापस कर दिया ना, इसलिए शायद खुशी में। अरे गिरीश, ये लड़की हंस रही है तो ठीक है, लेकिन ये बुड्ढा हाथ जोड़ कर क्यों हंस रहा है? इस अनपढ़ बुड्ढे में इतनी तमीज है तो हम दोनों क्या कम है? चलो हम लोग भी हाथ जोड़ लेते हैं। जी जी। लागिड़ा मनीषा रानी घर जा। इसके हाथ हिलाने से डर लग रहा है। बावले तो नहीं हो गए हो? बस जाते जाते टाटा कर रही है। टाटा में ऐसे हाथ हिलाते हैं? भैया ये आपका स्टाइल है और वो उनका स्टाइल है, हाथ हिलाओ ना। सर आप यहाँ हैं? अबे घोचू, यहाँ नहीं होंगे तो और कहाँ होंगे? मुझे लगा आप खो गए, इसलिए मैं नीचे तक चक्कर काट के आया सर। पहले ये बताओ गाड़ी ठीक हो गई? हाँ सर। चलो चलिए। सर यही हमारा गेस्ट हाउस है, आप अंदर चलिए, मैं सामान लेकर आता हूँ। डिक्की कॉल होस लेना होस।
लेना होस, एक और जाना लेना होस, खुशी का मौका हो। क्या बात है रंग बहादुर, मोहल्ले में पोती की शादी की मिठाई बांट रहे हो? हो मिठाई लेना होस। अच्छा ये बताओ मनीषा कहाँ है? वाटी इच्छा। तो दुल्हन रानी हमारे शहर का लड़का अच्छा लगा? आखिरकार इतने इंतजार के बाद तुम्हारी शादी तुम्हारी अपनी मर्जी से ही हो रही है ना, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। के बंदे छाओ मैला बुझी ना। अब ये नेपाली भाषा भूल जाओ और जल्दी से जल्दी हिंदी सीख लो, अगर हिंदी नहीं सीखी तो कहीं वो लड़का छोड़ के भाग ना जाए कहीं और। बहुत मुश्किल हो रही भैया, इस आदमी ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। मैनेजर अब तक क्यों नहीं आए? 9 बजे आने का बोला था। सुबह सुबह पीकर कहीं लुढ़क गया होगा। वेयर इज डेविड? क्यों क्यों नहीं, मैनेजर मैनेजर कहाँ है वो? ताचे ना। हम डेविड के बारे में पूछ रहे हैं और तू क्यों क्यों किए जा रहा है? क्यों? ठंड से हमारी जान निकली जा रही है और तू क्यों क्यों सवाल किए जा रहा है? एक मिनट, तुम हमको ऑफिस ले जाओ, ऑफिस। ठीक बा, आऊं ना। हाँ चलो, शुक्र है ये समझ तो गया। चलो जाएगा क्या बता। इससे गाड़ी यहाँ क्यों रोकती? हेलो व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? फिर खराब हो गई क्या? होता है हरा। अरे ये क्या बक रहा है और यह इतनी भीड़ क्यों है? आओ देखते। भैया हमारा मैनेजर, इन्होंने डेविड को इस तरह बांध क्यों दिया? अरे ये तो बताओ उसे वहाँ बांध क्यों रखा? एक लड़की को शादी का वादा करके उसे धोखा दे दिया, इसी चीज की सजा मिल रही है इसे। टिंडे करे दो। अरे बाप रे, इसे तो टकला कर रहे हैं। पता चला कि ये हमारा मैनेजर है तो हमारी भी यही हालत करेंगे। चलो अरे अरे रुकिए रुकिए रुकिए, आपको यहीं रुकना है। ऐसा क्यों? वो देखिए अंडे और टमाटर, ये सब हमारे डैमेजर को खिलाएंगे क्या? नहीं, इन सारी चीजों से उसे मारेंगे। हम क्यों मारे? हम ना किसी को मारते हैं ना मार खाते हैं। अरे रुकिए रुकिए, ऐसे नहीं जा सकते। अगर उसे नहीं मारा तो ये सब मिलकर आपको मारेंगे। अरे भाई ये कौन सा तरीका है? टकले पे क्या लिख रहे हैं? मैं एक बड़ा पापी हूँ ये लिख रहे हैं। अच्छा, आज से इसका जीना कुत्ते से भी बदतर हो जाएगा। ना ये किसी से बात करेगा। हाँ। ना कोई और इससे बात करेगा, पूरे शहर में बस भीख मांग के ही खाना खाएगा। इतनी तकलीफ झेलने से अच्छा कहीं और क्यों नहीं चला जाता? अरे मिस्टर भोला भंडारी, उसके चेहरे पे ये लिखा है, ना कोई ट्रेन में बिठाएगा ना बस में। छोड़ना मत उसको, मारो सब मिल के मारो। चलो हम भी थोड़ा सा हाथ साफ कर लेते हैं। देख क्या रहा है, मारना। कैसे मारू भैया? गांव में पोस्टर पर गोबर मारता है ना, वैसे ही मार। मेरा इसे मारने को मन नहीं कर रहा भैया। क्यों? फ्यूचर के बारे में सोच कर। किसका? भैया तू रो क्यों रहा, क्या हुआ? अरे भैया मुझे लग रहा है कि आपके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है भैया। आजकल तो कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो रहा है। चल मार। ये पाप है भैया। पाप तो उसने किया है, हमने थोड़ी किया है। हमें क्या? हमें भी कुछ हो सकता है, मुझे तो इस पे बहुत तरस आ रहा है भैया। चल यहाँ से। और कोकोमो छोड़ दो हरा मिले। मेरा सभी जना। इतनी भीड़ क्यों है, कोई टपक गया क्या? अरे पागल हो गए हो क्या, शादी हो रही है। शादी हो रही है? हाँ, वो जो सामने बैठा है दूल्हा है और जो मंत्र पढ़ रहे हैं वो पंडित जी हैं। अच्छा तू बुरा ना माने तो एक बात पूछूं, इस इलाके में शादी और बर्बादी यही लोग करते हैं क्या? चुपचाप देखना। अनेको राखे साक्षी ले रहा, तेरो मन भितरा बड़ा, तू ये कितला मन परास्पो सागी। हाँ। ये चावल की थाली ऊपर दिखाकर क्या बोल रहे? सूरज को अर्चना दिला रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि बता तुझे वो लड़की पसंद है या नहीं। और वो क्या बोल रहे, पसंद नहीं उसको? अरे पसंद है। ओ। पानी को साक्षी ले रहा, यो ब्या लाए तेरो मन भितरा बड़ा मन परास्पो सागी।
ये हाथ में लोटा क्यों रखा है? कौवे को पानी पिला रहा है क्या? नहीं नहीं हाँ। पानी की कसम खिलाकर ये पूछ रहे हैं कि तुम ये शादी अपने दिल से कर रहे हो या किसी दबाव में आके कर रहे हो? अग्नि को साक्षी ले रहा। अब ये कह रहे हैं कि जिंदगी भर इस लड़की का साथ दूंगा, अग्नि को साक्षी मानकर कसम खा रहा है ये। हाँ? ये कैसे पता चला? ऐसी शादी तो मैं रोज देखता हूँ, पर ये सब लड़के से ही क्यों कहलवा रहा है? लड़की तो कहीं दिखी नहीं रही। एक बात बताओ वॉचमैन, ये बिना लड़की की शादी कैसे हो सकती है यार? लड़की कहीं भाग तो नहीं गई? बिल्कुल नहीं, दुल्हन बस थोड़ी देर में आने वाली है। देवली ले रहा हूँ। देखा, दुल्हन को बुला रहे हैं। पर दुल्हन है कहाँ? आबर तिवर दुई जना दोगनी सासनी हो। आबर दुई जना सुहागरात मनावला। ये सब क्या बोल के जा रहे हैं? शादी हो गई है, अब जाके सुहागरात मना लो। ये बात वो लोग नहीं जानते क्या? ये भी वही बताएंगे। अरे उनका रिवाज है। चलो सुनना, इसी तरह सुहागरात भी देख सकते हैं क्या? चप्पल से मारेंगे। मैं कह रहा हूँ चलो अब गेस्ट हाउस चलो। सुनो, हमें हरे रंग की लाल साड़ी दिखाओ। क्यों? इसको हिंदी नहीं आती बेवकूफ। शो मी सम साड़ीज। साड़ी मांगी तो दस्ताने क्यों दे रही? यार सब लोग ऐसे ही है भैया, पूछो कुछ और दिखाते कुछ। आई वॉन्ट सम साड़ीज। साड़ीज क्यों? ये तुम लोग बात बात में क्यों क्यों क्या करते हो? जब देखो क्यों 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 क्यों। तुम्हारी भाषा से तो हम परेशान हो चुके। कॉफी मांगो क्यों क्यों, खाना मांगो क्यों क्यों क्यों। भैया भैया देखो वो किली किली वाली आई है। वन मिनट, एक्सक्यूज मी, आई वॉन्ट लाइक दिस राउंड राउंड साड़ी। साड़ी? वाह भैया, ये बात समझ गई। तले बिया गन्ने के गाले तेरो लागे बिया को सारी किंचारे। शुक्र है अब सब ठीक दिखा रही है। इनको डेमो दिखाने से ही समझ में आता है। ये कैसी रहेगी? मुझे तो पसंद आई, भाभी का पता नहीं। रुको मैं किलिकली से पूछ कर दूँ। अब उस लड़की से पूछना जरूरी है क्या? औरतों का टेस्ट औरतों को ही पता होता है। आप रुकिए, सुनो। तू रुक, मैं दिखाता हूँ, उसे जरूर पसंद आएगी। ये वाली अच्छी है ना? मैंने कहा था ना पसंद आएगी। पैक कर दीजिए। ये टोपी क्यों दिखा रही? उसके दादाजी के लिए होगी। हम मर्द है ना, मर्द का टेस्ट मर्द समझता है, इसलिए पूछ रही होगी। अच्छा, नहीं नहीं अच्छी नहीं है। ये मस्त है। फैंटास्टिक। एक्सक्यूज मी, थैंक यू, आपने बहुत अच्छी साड़ी सिलेक्ट की। क्यों? फिर से क्यों क्यों? अरे, क्यों? अरे, ये तो पागल है। मैं तुमको भैया इस मामले को मैं हैंडल करता हूँ। ये जो साड़ी तुमने पसंद की है ना, ये भैया की मिसेस के लिए है। अरे ये तो साड़ी लेके भाग गई। भागेगी नहीं तो क्या? तेरे इशारे ही वैसा थे, उसे लगा ये साड़ी उसके लिए, तो वो लेकर चली गई। अरे खिली खिली। हेलो, हमारे शहर से कोई मंदिर में आया है क्या? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा फ्रेंड का? मेरा फ्रेंड अंदर है, तुम्हें कुछ काम है क्या? हाँ, उनको शादी के लिए बुलाने आए हैं। क्या कहा? इधर उधर शादी वादी में जाने के लिए उनके पास टाइम नहीं है, वो बहुत बिजी आदमी है। अरे सुनो, ये शादी का न्योता देने नहीं आए हैं। क्या है? दूल्हे को लेने आए हैं। दूल्हा? कहाँ है दूल्हा? अरे वही जो मनीषा से प्यार करता है, और तुमने कहा था शादी करने को तैयार है, एक घंटे में शादी है। एक घंटे में शादी? यहाँ ऐसे ही होता है, 3 मिनट में मुहूर्त और 30 मिनट के अंदर शादी। बाप रे, ये क्या हो गया? जरा कोपचे में आना, मेरी बात सुन। उस दिन मैंने बकरी को छुड़ाने के लिए झूठ कहा था कि मेरा फ्रेंड उस लड़की से प्यार करता है। मतलब वो मनीषा से प्रेम नहीं करता? श्री राम अपनी बीबी के अलावा ना किसी से प्यार करता है और ना करेगा। तुम्हारा मतलब श्री राम शादीशुदा है? तो फिर परसों मनीषा को शादी की साड़ी क्यों दी? अरे उसे हमने नहीं दी, वो खुद ही छीन कर भाग गई। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। ये बात तुम्हें बताकर उसके लिए कोई और रिश्ता ढूंढने के लिए बोलो ना, चाहिए तो दहेज हम दे देंगे। अरे अरे, ये तो बहुत ही खतरनाक बात हो गई। एक बार शादी पक्की हो गई और उससे इनकार किया तो सर मुंडा कर जूते खाने पड़ेंगे। छिटो घारा, घेलो के ना भयो। हाँ मैं बात करता हूँ, जल्दी से उनको बुला के लाओ। किसी भी तरह ये शादी करवानी पड़ेगी, वरना दोनों को गंजा करके अंडों से मारेंगे। हे भगवान, हम लोग तो बुरे फंस गए। ठीक है, मैं किसी भी तरह भैया को यहाँ लेकर आता हूँ। पहले तुम इसे यहाँ से भगाओ। हाँ, जल्दी से दरबार पे आ जाओ। यो ले रहे हाउचारे, हम ही चू। छिटो हाउनोस। हे भगवान, मैं किस मुसीबत में फंस गया? भैया को यहाँ नहीं लाया तो ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, और भैया को लाया तो भैया मुझे नहीं छोड़ेंगे। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? भैया भैया, हमें फौरन दरबार स्टेट के पास जाना है। क्यों जाना है? वहाँ पंडित लोगों से पूजा करवा रहा है, अगर आप आधा घंटा पूजा करेंगे तो बच्चा होगा। किसको? आपको। अरे क्या बकरा है बेवकूफ, पूजा करने से बच्चे पैदा होते हैं। किस पूजा का क्या महत्व है, ये हमें क्या पता? देर मत करो, जल्दी चलो, चलो जल्दी।
शुभ काम करने से पहले भिखारी का चेहरा देख लिया। अरे इससे क्या होता है? इससे क्या होगा, लग रहा है कि फ्यूचर हमारा वेलकम वेलकम कर रहा है। ये क्या बकवास? जो सच है वही तो बोल रहा हूँ, लगता है मैंने इसे कहीं देखा है। अभी तक नहीं पहचाना भैया, ये हमारा पुराना मैनेजर है। इसका तो पूरा हुलिया ही बदल गया, ये पूरी तरह कैरेक्टर में घुस गया भैया। क्या रे, तुझे शर्म नहीं आई? एक लड़की को शादी का वादा करके उस बेचारी को धोखा देते हो। शर्म नहीं, इसलिए तो नंगा घूम रहा है। ओए, इस तरह भीख मांगने से अच्छा है कि रेल की पटरी पर सो के जान दे दो। छोड़ो ना भैया, ये सलाह देने का समय नहीं है। 100 रुपीज इसे तो मैं फूटी कौड़ी ना दूं। भैया 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 भैया, ये हमारा पुराना मैनेजर था, इसे देख के मुझे आपका भविष्य नजर आ रहा है। भैया अबे तू क्यों रो रहा है? ये तो मैं भी नहीं बता सकता, आगे क्या होगा यही सोच रहा था। भैया आपके ये सुंदर काले काले घने बाल हमेशा ऐसे ही बने रहे। ये क्या, तूने तो कहा था सिर्फ पंडित है, लेकिन यहाँ तो बाराती भी है। वो क्या है ना कि सब लोग यहाँ पे पूजा करने के लिए आए हैं, लेकिन लिस्ट में हमारा नाम पहला है। बसा हमारा नाम है बसा जाए। अरे भैया इतने प्यार से बोल रहे हैं तो बैठ ही जाते हैं ना, चलो बैठते हैं। कुछ कुछ आई कुछ। हाँ जी टमाटर। ये क्या कर रहा है, कच्चे चावल क्यों दे रहा है, खिचड़ी बनाओ क्या इसकी? अरे नहीं नहीं भैया, ये पूजा का एक जरूरी हिस्सा है। ये थाली को हाथ में लेके सूरज को दिखाओ, चलो दिखाओ। खाने को राके साक्षी ले रहा, तेरा मन भितरा बड़ा मन परास्पो सागी। ये क्या बोल रहा है? वो क्या है कि आपको कितने बच्चे चाहिए ये पूछ रहा है। हाँ हाँ, मुझे एक लड़की और एक लड़का, नहीं नहीं मुझे दो लड़कियाँ और दो लड़के चाहिए। क्या विचार, हम दो हमारे चार। पानी को साक्षी ले रहा, तय ले यो ब्याह लाई मन परास्पो सागी। ये कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल समझ गया, देवी देवता भी बच्चों के लिए ऐसी ही पूजा करते थे, ये उसी टाइप की पूजा है। वाह आप तो बहुत होशियार भैया, सब कुछ कितनी जल्दी समझ गए। मैं बचपन से ही ऐसा हूँ, फूल सूंघते ही उसका नाम बता देता हूँ। क्या बात है, आप चलते रहो। बदली दियो। हाँ हाँ। अब अग्नि को सूर्य को दिखाना है। अरे वाह अकल हो तो आपकी तरह। अग्नि को साक्षी ले रहा, यो कैटी सिंगिया मिले रो बासाला। इन्होंने कहा तुम्हारे पिताजी तुम पर बच्चों को लेकर दबाव डाल रहे हैं, है ना? क्या पकड़ा है भैया आपने? हाँ हाँ। देवली ले ले आओ, देवली ले ले आओ। अरे रे 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 रे, आपने तो इनकी भाषा भी सीख ली है। कहा था ना मैं बचपन से ही बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ। अच्छा तो बताओ कि इन्होंने क्या बोला? अभी अभी पूजा की ना, अब देखो प्रसाद आएगा। अरे वाह। अबे गिरीश भला ये कीली कीली को यहाँ क्यों लिया? वो क्या है ना, इस पूजा में बैठने के लिए पति पत्नी का साथ बैठना जरूरी होता है, इसलिए कीली कीली को टेम्पररी वाइफ बना के बिठा देंगे, पूजा हो जाएगी। ये सब पहले से पता होता तो सीता को भी लेकर आता ना। इतना टाइम नहीं है भैया, टेम्पररी वाइफ तो है, एडजस्ट कर लो भैया, संभालो। हाँ यार अबे देखिए तुम्हारा दुई जना लोग ने सासनी होए। अबे ये इसका हाथ मेरे हाथ में क्यों थमा दिया? शायद फिनिशिंग टच होगा। ये कैसा फिनिशिंग टच है, अपनी बीवी को छोड़कर आज तक किसी और को टच नहीं किया। टेम्पररी वाइफ है, टेंशन मत लो। अच्छा ठीक है, अब दुई जना सुखद सिंगले बसाला सुहागरात बनाओ लला। ठीक है हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? अरे पागल पूजा खत्म हो गई ना, ये कह रहा है कि ऑफिस में आकर दक्षिणा ले जाऊंगा। अच्छा अच्छा ठीक है बाबू, तिमर दुई जना सुखी सिंगले बसाला। आपका भी धन्यवाद, आपने बीवी की एक्टिंग अच्छी की, चलना। अरे अरे लड़की को साथ लेके जाओ, अकेले कहाँ जा रहे हो? पूजा तो खत्म हो गई ना। कौन सी पूजा, तुमने इनको बताया नहीं क्या? अरे आपकी शादी हो गई है। मेरी शादी? और क्या, ये शादी का क्या चक्कर है? हाँ भैया ये सच बोल रहा है। मतलब पूजा की बात? मैं झूठ बोला था भैया। एक जिगरी दोस्त होकर तूने धोखा दिया। सॉरी भैया, ये सब मैंने जानबूझ के नहीं किया। उस दिन बकरी को बचाने के चक्कर में मैंने झूठ बोल दिया कि इस लड़के से आप प्यार करते हो और इससे ही शादी करोगे, और उस दिन ये जो साड़ी लेकर भागी थी उसे शादी का जूड़ा समझी थी। यहाँ के रिवाज के मुताबिक साड़ी देने का मतलब शादी फिक्स। ये सब तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे लगा नहीं था ये होगा। कम से कम शादी से पहले तो बता दिया होता। अगर मैं बता देता तो आप इनकार कर देते और मुझे सजा मिलती। इससे बड़ी और क्या सजा हो सकती है कि मैंने अपनी सीता को अनजाने में धोखा दे दिया, ये जानकर वो जिंदा रह पाएगी और क्या उसके बिना मैं जी पाऊंगा? जो हो गया सो हो गया, वैसे भी बाबूजी आपकी दूसरी शादी करवाने वाले थे, भगवान की इच्छा मान के इसे स्वीकार कर लीजिए भैया। बकवास बंद कर, अग्नि की कसम खाते हुए मैंने उसमें जलने के लिए शादी नहीं की। सीता मेरी जिंदगी है और इस जन्म में तो मैं उसे कभी धोखा नहीं दे सकता। शादी का बंधन कितना अहम होता है, यह सिर्फ एक रस्म नहीं है, लेकिन इसे तुम क्या जानो? देखो मैं एक शादीशुदा। भैया भाभी के बारे में इसे मत बताओ, ये मर जाएगी, इस बेचारी को कुछ नहीं पता, देखो ना कितनी मासूम है ये। तो इसके लिए सीता को कुर्बान कर दूं? इसमें इस बेचारी की गलती नहीं है। अगर ये शादी के बारे में, शादी? मैंने इसे प्यार करके शादी नहीं की है और मुझे तो पता ही नहीं था वो रस्म शादी की। इसका मतलब इसके साथ अन्याय करोगे? सीता के साथ न्याय करूंगा,
देखो मैं तुमसे प्यार नहीं करता, असल में मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ। भाषा न जानने की वजह से और इसकी बेवकूफी की वजह से ये सब हो गया। मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूँ। इतनी सीरियस बात पे भी तुम हंस रही हो? इसे हंसने दो भैया, ये हमारी भाषा नहीं समझती है ना, इसलिए अभी तक जिंदा है बेचारी। तुम तो चुप ही रहो। आओ। ये कौन है बताओ, कौन है ये? राम, श्रीराम। श्रीराम मैं हूँ, और ये कौन है? सीता। नहीं नहीं नहीं, तुम मेरी सीता नहीं हो, मेरी सीता कहीं और है, मेरे देश में है वो। यो गिरी गिरी। हाँ ये उसी का कारनामा है, इन्होंने लंका जलाई और उसने मेरा घर ही जला दिया। तेमी श्रीराम मो सीता। अरे हे राम, तुम मेरी सीता नहीं हो, अब मैं इसे कैसे समझाऊं? एक मिनट, ये देखो ये मैं हूँ और ये मेरी सीता, हम दोनों की शादी बहुत साल पहले हो चुकी है। मैं तुम्हारे जज्बातों को समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे माफ कर देना, मैं सीता को धोखा नहीं दे सकता। अगर सब कुछ भूलकर तुम्हें अपना भी लूं तो मेरी आत्मा मुझे हमेशा कोसती रहेगी। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। सीता, राम, ये बंटो, राम, सीता। वो लड़की समझदार थी, इसलिए हालात समझकर चली गई। अगर कोई और होती तो मैं सड़क पर खींच लाती। देखो इसका क्या हश्र किया, क्या मुंह उठाए भीख मांगने चले आए। भीख मांगने नहीं आए साहब, आपकी हालत मेरी तरह ना हो जाए इसलिए मनीषा ने भेजा है मुझे। इसलिए? उन लोगों को आप पर शक हो गया सर, इसलिए उसने कहा कि आप जल्द से जल्द शहर को छोड़ दीजिए। बस यही सब मैं आपको बताने आया था सर, अब और देर मत कीजिए, जल्दी चले जाइए। सुना, चलो यहां से। ये ड्राइवर कभी भी कहीं भी गाड़ी रोक देता है, इसका दिमाग खराब है क्या? हेलो, गाड़ी क्यों रोक दी? भूत आ रहा है। भैया ये तो मनीषा है। उन्हें दो। ये लोग मनीषा के साथ क्या कर रहे हैं, आखिर किया क्या इसने? आपकी शादी के बारे में सुनकर ये रोते रोते घर आ गई। इसका ये हाल देख के घर के बड़े बुजुर्ग परेशान हो गए, लेकिन आपके बारे में सोचकर कि आपको कोई नुकसान ना पहुंचे, इसने ये इल्जाम अपने सर ले लिया कि इसे इस शादी से इनकार है। ये उसी की सजा है। अब इस बेचारी को यहाँ के नियम के मुताबिक कड़ी सजा मिलेगी। ये लोग इसे क्या सजा देंगे? आइंदा कोई भी मर्द इसे ना देखे और ना ही ये किसी मर्द से ताल्लुकात बना पाए, इसलिए इसका सर मुंड रहे हैं और इस बेचारी के माथे पे विधवा लिखकर इसे छोड़ देंगे। इस लड़की ने आपको बचाने के लिए अपने जीवन का जो बलिदान दिया है ना साहब, वो कोई और लड़की शायद कभी नहीं देती। अपनी जिंदगी बर्बाद करके वो आपकी जिंदगी आबाद कर रही है साहब। मेरी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं हो सकती, यह न्याय है। देखो नायडू, ये जो हो रहा है उसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। तुम लोग चाहो तो मेरा सर मुड़वा दो, मुझे अंडों से मारो, लेकिन उस मासूम लड़की को छोड़ दो। उनसे कहो कि वो सजा मुझे दे दें। उसके लिए मनीषा माननी चाहिए। वो क्यों नहीं मानेगी? वो चाहती है कि आपको कुछ भी ना हो और आपकी पत्नी के साथ भी अन्याय ना हो, क्योंकि वो भी एक औरत है और दुनिया में औरत अपने पति के लिए जान दे भी सकती है, इसीलिए औरत को देवी का रूप माना जाता है। आपसे ये इतना प्यार करती है, लेकिन इसको भैया अगर आपने शादी नहीं की होती तो ये कुंवारी रह के खुशी से जी तो सकती थी, लेकिन अब ये ना तो कुंवारी है और ना ही किसी की पत्नी है, पति के होते हुए विधवा की जिंदगी बिता रही है। कर लो। रुक जाओ। ए, तूने क्या काम करते सास? नायडू, इनसे कहो इस लड़की की कोई गलती नहीं, ये मासूम है, मुझे बचाने के लिए ये अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है, भले अनजाने में ही सही, गलती मेरी है, मेरी गलती मैं सुधारूंगा। बिना मेरी रजामंदी के इन लोगों ने मेरी शादी करवाई, लेकिन अब मैं इसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ।
अगर इन्हें भरोसा नहीं है तो मैं दोबारा शादी करने को तैयार हूँ। हमारे रिवाज के हिसाब से इसे गले में बांधने से शादी हो जाती है, क्या तुम्हें मंजूर है? पर देना। माँ, तब्र सीता है ना, तब्र सीता, हर कर जा। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हारी मांग कभी सुनी नहीं रह सकती। आज से मेरी पत्नी बनकर बड़े आदर से जिंदगी बिता सकती हो। मैं राम जरूर हूँ लेकिन भगवान राम नहीं हूँ। कल मैं अपने देश लौट रहा हूँ, तुम्हारे बारे में सबको बता दूंगा, फिर तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। समझ गई ना? क्या समझे? हाँ सीता, सीता, श्री राम। अरे वाह, बड़ी तेज हो। मैं भी बहुत तेज हूँ। ऐसे पागलों की तरह घूर के रहे, ये सब एक अंडर रख, जल्दी कर भैया, फ्लाइट का टाइम हो रहा, जल्दी आ जाओ। आ रहा हूँ। बहुत जल्द मैं मनीषा को ले जाऊंगा। मंजुल बाबू, चलता हूँ। वास्ता बाबू, राम रोज राम बाबू, राम रोज। चलता हूँ। सुनो, एक छे यो साड़ी सीता लाए देना सा। फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखना। देखिए बाबूजी पहले से आ गए। हमने तो फोन भी नहीं किया था, फिर ये यहाँ कैसे आ गए? आपने नेपाल से आते ही शादी करने का वादा जो किया था, इसलिए यहाँ से सीधे शादी के मंडप में ले जाएंगे। और जब मनीषा के बारे में बताएंगे तो बुढ़ाओं का दिल खुश हो जाएगा। पिताजी एक गुड न्यूज है। तुम्हारे लिए भी एक गुड न्यूज है। सीता माँ बनने वाली है क्या? वो तो सपने में भी नहीं हो सकता बेटा। अरे भैया की गुड न्यूज सुनोगे तो फ्लैट हो जाओगे। मेरी बात सुनेगा ना तो फ्लैट क्या, पूरी बिल्डिंग भागेगा तू। तो बताइए, तुझे नेपाल जाने से पहले मैंने तुझे दूसरी शादी करने के लिए बहुत मजबूर किया, तुझे मैंने बहुत सताया है ना। बाद में मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ, तू पहले जैसे भगवान राम ही बनकर रहे वही तेरे लिए सही है। हाँ? ये कैसा ट्विस्ट है? पिताजी आप में ये अचानक बदलाव कैसे आ गया? कहीं आपने दूसरी शादी तो नहीं कर ली? बिल्कुल नहीं। फिर अचानक ये बदलाव कैसा? तेरे नेपाल जाने के बाद एक दिन ऐसा हुआ, मेरे बेटे का बेटा ना होने की वजह से मैं इतना दुखी हो रहा हूँ, लेकिन तुम तो एक स्त्री होकर भी कितना दुख सह रही हो बहू। साक्षात श्री राम का रूप है मेरे पति, और आपसे मुझे पिता से भी ज्यादा प्यार मिला है। मैं बहुत खुश हूँ, इतनी खुश हूँ पिताजी कि मैं इस बात को बिल्कुल भूल ही जाती हूँ कि मेरी कोई औलाद नहीं। और मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि ये सब जानने के बाद भी मेरे पति मेरा साथ दे रहे हैं, और यही सुख मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा सुख है। भगवान ने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया तो क्या हुआ, पर आपने इस अनाथ को बहुत प्यार दिया। मैं जानती हूँ आप पोते का मुंह देखना चाहते हैं, अगर मैं आपको पोता नहीं दे पाई तो क्या हो गया पिताजी, आप इनकी दूसरी शादी करवा सकते हैं। क्या तुम नहीं चाहती कि कोई तुम्हें माँ कह के पुकारे? आपने अभी अभी मुझे माँ कहा ना, मेरे लिए काफी है। और कौन कहता है कि मैं माँ नहीं हूँ, दो दो बच्चे तो है मेरे, एक तो आप है और दूसरे मेरे पति, आप दोनों मेरे लिए बच्चों से कम है क्या? बहू की वो बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा कि मुझे पोते की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ए? पिताजी। हाँ बेटा। नेपाल जाने से पहले
किए हुए वादे के हिसाब से अगर मैंने नेपाल में दूसरी शादी कर ली, मिसाल दे रहा हूँ, तो आप क्या करेंगे? बहू को चूहे मारने की दवा दूंगा और मैं खुद भी वही खाकर तुम्हें जिम्मेदार ठहरा कर वो लेटर पुलिस स्टेशन में भेज दूंगा, वो तुम्हें फांसी में लटका देंगे। ओह, आप ऐसा करेंगे? ठीक है। आओ बहू, कौन आया देखो। मेरे बाप को ये अचानक क्या हो गया? ये तो अचानक में भयानक हो गया भैया। यानी आपकी दूसरी शादी को बाबूजी मंजूरी देने वाले नहीं है, अब आपको भाभी को ही मनाना होगा। अगर भाभी मान गई तो गाड़ी चल पड़ी। लेकिन ये मरने की धमकी दे रहे हैं ना? अरे वो तो हर बात पे मरने की धमकी देते रहते, इस बार ऐसा करते उन्हें मरने देते। बकवास बंद कर और सामान निकाल। ये साड़ी किसकी है? वो तुम्हारे लिए मनीषा ने दी। क्या कहा, मनीषा? ये मनीषा कौन है? वो वहाँ सेल्स गर्ल थी। मुझे कैसे जानती है वो? पर्स में फोटो देखी थी। आपका पर्स वो क्यों देखने लगी? सामान के पैसे जब दे रहा था तो उसने पर्स में देख लिया। उसने पूछा कौन है, तो मैंने कहा मेरी बीवी है। बिल्कुल। और उसने ये साड़ी दे दी। सही कह रहे हैं। क्यों, बढ़िया है ना? बहुत सुंदर है। आप अपने लिए कुछ नहीं लाए? मैंने सिलेक्ट करके रखा हुआ है, अब की बार जाऊंगा तो साथ लेकर आऊंगा। अच्छा, वो क्या? छोटी सी बकरी, गोरी गोरी सी, बहुत सुंदर दिखती है वो। कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, बकरी बकरी ही होती है, उसे कोई नहीं खरीदता। ये क्या है? ये बाल है। ये बाल किसी लड़की का है। आपकी कंघी में कैसे? वो गेस्ट हाउस में काम वाली बाई ने बाल बनाए होंगे। क्या कहा, काम वाली? क्या उम्र होगी उसकी? 16 या 17 साल की होगी भाभी। क्या कहा, 16 या 17 साल? अबे हट साले, हमेशा मजाक करता रहता है। अरे वो सच बन जाएगी ना, उस लड़की की उम्र करीब 60-70 साल होगी। 60-70 साल की लड़की कैसे हुई? हाँ, लड़की कैसे होगी, दादी होनी चाहिए। काफी बुढ़ी होगी ना भैया। अगर बुढ़ी होती तो बाल सफेद होता, पर ये बाल काला है काला। तो वहाँ की लेडीज को बचपन में सफेद और बुढ़ापे में काले होते हैं। हाँ, वहाँ ठंड है ना, क्लाइमेट डिफरेंस। अच्छा, हमने कॉफी कब पी थी? नेपाल में पी थी। आप रुकिए, मैं अभी आती हूँ। अरे बाप रे बाप, एक बाल के लिए सीआईडी की तरह इतना इन्वेस्टिगेशन। शुक्र है कि डर के मारे हम लोगों ने सच नहीं बोला, एक बाल की वजह से फंस जाते। अच्छा, वो हमने मनीषा के बारे में नहीं बताया। आपके जाने के बाद मैं बहुत टेंशन में रहती थी। किस लिए? उस हवलदार कदम की तरह आपने भी मुझे धोखा दे दिया। क्या किया उसने? ऑफिस के काम से जा रहा हूँ ये कहकर पूना जाया करता था। एक बार उसकी बीवी को शक हुआ, वहाँ जाकर देखा तो पता चला उसकी एक और बीवी है। फिर उसकी बीवी ने क्या किया? क्या करती वो? कॉफी में जहर मिलाकर दे दिया। क्या हुआ, क्या हुआ? कुछ नहीं, कॉफी ज्यादा गर्म थी। कदम जिंदा है या मर गया? मर गया कमीना। बस इतनी सी बात के लिए पति को मार देना पाप है ना सीता? महापाप है, मैं होती तो बिल्कुल वैसा नहीं करती। तो तुम क्या करती? मैं खुद जहर पीकर मर जाती। सीता, ऐसा मत बोलो। छी, मैं क्यों मरने लगी? मेरे पति तो शरीफ है, बिल्कुल भगवान राम की तरह। उनको तो भगवान ही बचा सकता है। अगर मनीषा के बारे में इसे पता चला तो ये वाकई मर जाएगी। ठीक कह रहे हो भैया, दूसरी शादी को राज ही रखो। भैया, आइंदा चाय या कॉफी पीने से पहले ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर साहब, मेरे पति मेरे साथ प्यार से पेश नहीं आते, खास करके रात में पास भी नहीं आते। और बस छैया छैया गाना गाते रहते हैं। इसका इलाज बताएं? इलाज बहुत ही आसान है, उसे कहो विरार की ट्रेन पकड़ ले, उसकी छत पर चढ़कर छैया छैया गाना गाए, उसका पति अपने आप पीछे आ जाएगा। नेक्स्ट। फोन उठाओ। हेलो हेलो, मैं मनीषा नेपाल से बोल रही हूँ। अरे मनीषा, तुम तो बहुत अच्छी हिंदी बोल रही हो। मैं रोज थोड़ा थोड़ा हिंदी बोलने का सीख रही हूँ। वेरी गुड, और तुम कैसी हो बताओ? मुझे उनका फोन नंबर चाहिए, मुझे उन्हें एक खुशखबरी देनी है। हेलो, श्रीराम स्पीकिंग। अरे सीता, अचानक कैसे आना हुआ? अरे मैं तुमसे नहीं बोल रहा हूँ। हाँ ठीक है, कल ही चेक भिजवा दूंगा। तुम इस तरह अचानक ऑफिस कैसे आ गए? हमें फौरन कहीं जाना होगा, चलिए ना। कहाँ जाना है? आपके लिए सरप्राइज, आप मेरे साथ चलिए ना। इस फोन को भी अभी ही बजना था। हेलो, कौन बोल रहा है? मनीषा बोल रही हूँ, नेपाल से फोन कर रही हूँ। क्या कहा, नेपाल से मनीषा? नेपाल से मनीषा। हेलो, क्या कर रहे हो? अरे मनीषा, एक मिनट, मैं तुमसे। ओह सुनिए जी, मैं मनीषा बोल रही हूँ। तुम हिंदी बोल रही हो? थोड़ी थोड़ी, मैं सीख रही हूँ ताकि आपको खुशखबरी दे सकूं। वो क्या? आप ना बाप बनने वाले हैं। क्या तुम सच कह रही हो? अच्छा अच्छा, बाप बन गया, बाप बन गया। क्या कह रहे हैं, क्या हुआ आपको? मेरे बारे में नहीं, वो पड़ोसी के बारे में कह रही है, गांव में है ना जो। हाँ हाँ, तुम बोलो। तीसरा महीना चल रहा है। हाँ हाँ, तुम्हारे मुँह में घी शक्कर। थैंक यू सो मच। बहुत वक्त हो गया है, एक बार मिलने आइए ना। हाँ जरूर, रखता हूँ, बाय।
सीता अब जाकर मेरा सपना पूरा हुआ। किसे रुपए देने हैं, कहाँ देने हैं? वो नेपाल में, नेपाल में। अब बताइए मुझे कौन है वो लड़की? लड़की कौन लड़की? अभी अभी जिसे फोन पे बात कर रहे थे। पहले जिससे बात की वो टेलीफोन ऑपरेटर थी, बाद में जिससे बात की वो ब्रांच मैनेजर थी। ब्रांच मैनेजर को पैसे क्यों देने? उसने मुझे खुश खबर दी। क्या खबर दी? मेरी दूसरी बीवी माँ बनने वाली है। क्या कहा, दूसरी बीवी? दूसरी बीवी का मतलब नेपाल ब्रांच, पहली बीवी का मतलब ये ऑफिस। मैंने वहाँ ब्रांच शुरू करके 3 महीने हो गए ना, इसलिए उस ब्रांच का ना तीसरा महीना चल रहा है। इन 3 महीनों में उस ब्रांच का बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ। इतनी तेजी से ये ऑफिस डेवलप क्यों नहीं हुआ आज तक? यहाँ डेवलप नहीं हो रहा था, इसलिए उस ब्रांच पर ज्यादा ध्यान दिया। ये आपकी मेहनत का फल है। चलिए अब चलते हैं। भैया भैया चिल्ला क्यों रहा है? भैया कानी हलाओ। ये खुसुर बुजुर्ग क्या कर रहा है, जोर से बोलना। अरे भैया वो का फोन था। मतलब? ओहो हाँ, किली किली ट्रिंग ट्रिंग नेपाल। ओ नेपाल से फोन की बात कर रहे हैं? नेपाल से फोन था, उसके बारे में आपको कैसे पता? मैंने ही फोन उठाया था, बात नहीं दिया। आपने बात की उससे? इसका मतलब आप सब कुछ जान गई है। तीसरे महीने का यानी तीसरे महीने के बारे में पता चल गया। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस। भाभी जी आपको ये खुशखबरी सुनकर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया? इतनी खुशी की बात सुनकर गुस्सा क्यों आएगा मुझे? मुझे तो खुशी है कि इनकी मेहनत रंग लाई। सतयुग में एक सत्यवान की सावित्री थी और इस युग में सावित्री बन के आप मेरे सामने खड़ी हो। रियली यू आर ग्रेट। बिना मतलब 3 महीने हमने टेंशन में बिताए। भैया तो कितना टेंशन ले रहे थे। मैंने तो पहले ही कहा था भाभी को सब कुछ सच सच बता दो, अब नेपाल जाओ और भाभी को लेकर जल्दी वापस आओ। कुछ भी बोले जा रहा है, ऑफिस को यहाँ कैसे लाएंगे? मेरा मतलब ऑफिस से नहीं है। तो क्या था? मैंने मनीषा के बारे में कुछ नहीं बताया, तो तू भी चुप ही रहना। ये हुई ना बात, ऑफिस के बारे में बताते ही खुश हो गई। ये तो मामूली बात है, औरतें ऑफिस का नाम सुन के ओवर एक्साइटेड हो जाती है। भैया वो ऑफिस में अकाउंट वगैरह सब बस बहुत हो गया, ये ऑफिस की बातें बाद में करिएगा, पहले आप मेरे साथ चलिए। कहाँ? अरे सीता हमें यहाँ क्यों ले आई? कहीं आप यहाँ हमें भर्ती तो नहीं करवाएंगी? ऐसी बात नहीं है, आप अंदर चलिए ना। नमस्ते। नमस्ते, आइए, आप ही का इंतजार था, सारे बच्चे यही हैं। यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, जो पसंद हो उसे चुन लीजिए। पर क्यों? गोद लेने के लिए और क्या, पिताजी हमेशा पोता पोता करते रहते हैं। मैं सोच रही थी कि कहीं वो बीमार न पड़ जाए। अरे तुम उनके बारे में इतना मत सोचो, वो उम्र की वजह से ऐसा सोचते हैं। वैसे किसी और का बच्चा हमें क्यों चाहिए? 6 महीने रुक जाओ ना जानो। रुकने से बच्चा हो जाएगा क्या? दवाई ले रहा हूँ ना, होने के पूरे चांसेस हैं। तो दोनों को साथ में रखेंगे, हम दोनों बच्चों को पाल सकते हैं ना? लेकिन भाभी जी आप 2 बच्चों को एक साथ कैसे संभालेंगी? मैं दोनों बच्चों को पालूंगी, दोनों को एक साथ प्यार दूंगी। हाँ वाह 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 वाह, मुझे आप में मदर टेरेसा नजर आ रही भाभी। एक बात याद रखना भैया, वो बात कभी पता नहीं चलनी चाहिए। जरा इसे देखिए ना, कितना प्यारा बच्चा है। ओहो मुझे देखकर मुस्कुरा भी रहा है। आजा आजा, सुनिए हम इसे ले लेते हैं ना प्लीज। हाँ ले लो। भैया सोचो और सोच समझ के बोलो। तुम अपना मुंह बंद रखो, समझे? सुनिए हम इस बच्चे को लेंगे। ठीक है आप आइए साइन कर दीजिए। कांग्रेस भैया आखिर बाप बन ही गए। अब हम चलते हैं। शुक्रिया, चलते हैं। चलता हूँ जी। मेम साहब रुक जाइए, मेम साहब ये बच्चा मेरा है, मेम साहब मुझे मेरा बच्चा दे दीजिए मेम साहब। अरे ये क्या, उस दिन तो तुमने कहा था कि तुम इसे नहीं पाल सकती और अभी इसे लेने आ गई हो। मत बोलिए, उसके बिना मैं जी नहीं पा रही हूँ, उसे भूल नहीं पा रही हूँ। मजदूरी करके मैं उसे खाना खिलाऊंगी, उसे पाल लूंगी। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, इसे मत ले जाइए, मेरा बच्चा मुझे दे दीजिए, मैं इससे दूर नहीं रह सकती। मैम साहब मेरा बच्चा। माफ कीजिए, आप दूसरा बच्चा ले लीजिए। नहीं चाहिए, हमें किसी और के बच्चे की जरूरत नहीं है, और किसी का बच्चा लिया तो दोबारा ऐसे ही होगा। ये क्यों? ये सच है, जो बच्चा 10 मिनट भी तुम्हारी गोद में नहीं था उसे खोकर तुम्हारा ये हाल हुआ। अगर एक बच्चे की परवरिश करने के बाद उसके माँ बाप उस बच्चे को वापस लेने के लिए आ गए तो तुम क्या करोगी? चिंता मत करो, सिर्फ 6 महीने रुक जाओ, हमारा अपना बच्चा होगा जो हमेशा के लिए हमारी जिंदगी में खुशियों की बहार लेकर आएगा। जो बच्चा हमेशा हमारे साथ रहे वो हमें कहाँ मिलेगा भैया? मनीषा को होने वाले बच्चे को लाकर सीता को दे दूंगा। भैया? हाँ गिरीश, पहले बच्चे को सीता के करीब लाऊंगा, उसके बाद सीता को किसी तरह मनाकर मनीषा को भी घर ले आऊंगा। भैया एक बार मनीषा से मिलके आ जाओ। कल ही जाऊंगा। मैं
निशा रानी, मनीषा रानी, मनीषा रानी, मनीषा रानी, देविका श्रीराम हर के चा। अरे वाह, क्या है? ये क्या लगा रखा है? टीवी तुम बाद में देख लेना, पहले इन चिट्ठियों को पढ़ो। माफ कीजिएगा, अपना नाम नहीं लिख रही हूँ। डॉक्टर साहब, मैं शादी से पहले ही गर्भवती हो गई हूँ। इस मुश्किल से छुटकारा पाने के लिए कोई रास्ता बताइए। लिखो, इस प्रॉब्लम का कोई हल नहीं है, तुम्हारी वाट पक्का लगने वाली है। नेक्स्ट। इस चिट्ठी में भी नाम नहीं है। डॉक्टर साहब, मेरी नई नई शादी हुई है। सुहागरात में आदत के मुताबिक मैंने अपने पत्नी के हाथ में 500 का नोट रख दिया। उसके बदले में उसने मेरे हाथों में 100 का चमचमाता नोट रख दिया। इसका क्या मतलब है? वेरी वेरी सिंपल, तुमने उसे रात बिताने के लिए 500 दिए, उसने कस्टमर समझकर 100 रुपए वापस कर दिए। नेक्स्ट। डॉक्टर साहब, शादी को 6 साल हो गए लेकिन अभी तक कोई बच्चा नहीं है। मैंने आपकी भेजी दवा भी खाई है। बच्चा हुआ? नहीं, पति से झगड़ा हुआ। अब मैं क्या करूं? उसे कह दो कि वो एक लॉयर से मिल ले। नेक्स्ट। मेरे पति का पावर सप्लाई कट है। आपकी सलाह से एक लड़के को नौकरी पर रखा है। अब मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने लड़का गोद लेने के लिए कहा था, रखने के लिए नहीं। अगर अखबार में प्रिंट गलत हुआ है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। नेक्स्ट। अरे गिरीश। हाय श्रीराम, कैसे हो? हेलो भैया, नेपाल से कब आए? अभी आए। मनीषा भी मेरे साथ है। अरे वाह, कहाँ है? आप बाहर क्यों खड़ी हैं? जल्दी अंदर आइए। इस हालत में इसका वहाँ रहना ठीक नहीं था, इसीलिए यहाँ ले आए। आपने बिल्कुल सही किया भैया, यहाँ सब साथ मिलकर रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। डॉक्टर साहब, अगर आपको एतराज न हो तो कुछ दिनों के लिए मनीषा यहाँ रह सकती है। ये तुम क्या कह रहे हो? ये पूछने की बात है क्या? ये इसका ही घर है। थैंक यू वेरी मच। पिताजी, पिताजी, वो आ गए। आ गया? आने दो, देखता हूँ। डांटना उन्हें। तुम देख लेना, कहाँ से आ रहे हो बेटा? सुनाई नहीं दिया? पिताजी कुछ पूछ रहे हैं आपसे। और कहाँ से आऊंगा, नेपाल से आ रहा हूँ। हेड ऑफिस यहाँ पर है। और तुम नेपाल में क्या करने जा रहे हो? साहब जी लोग के पास बताओ। वहाँ की ब्रांच को डेवलप करने जाता हूँ। अगर ऐसा ही है तो चेन्नई में एक ब्रांच है, कोलकाता में एक ब्रांच है, बेंगलुरु में एक ब्रांच है, दिल्ली में भी एक ब्रांच है। इन सब ब्रांचेस को छोड़कर खासकर उस नेपाल ब्रांच को क्यों डेवलप कर रहे हो बताओ? आखिर आप कहना क्या चाहते? नेपाल से कोई ब्रेकिंग न्यूज तो नहीं आने वाली है? ब्रेकिंग न्यूज नहीं आने वाली है। दूसरी बीवी के साथ? देखिए पिताजी, इस तरह की बातें करके हम दोनों के बीच में आग मत लगाइए। अच्छा, तेरी बात मान लेता हूँ। मैंने सुना पाई पाई जमा करने वाला मेरा बेटा नोट बचाने की बजाय खुलेआम नोट जेब में नहीं रख के उड़ा रहा था। क्या मैं जान सकता हूँ कि नेपाल में कौन सी ऐसी चीज है जिस पर तुम पैसे उड़ा रहे थे? गरीबों को दान करने से औलाद मिलती है, इसीलिए डोनेशन दे रहा था। पैसों की बात छोड़िए, आजकल तो आप मुझसे ठीक से बात तक नहीं करते। मुझे तो बस यही डर रहता है कि आप मुझसे दूर न हो जाएं। सीता, राम ने सीता पर शक किया, सीता ने राम पर शक नहीं किया था। डू यू नो? वी नो। सीता माता लंका गई इसलिए भगवान राम ने शक किया। यहाँ राम नेपाल चला गया इसलिए सीता शक कर रही है। आप चाहते क्या, मैं आग में कूद जाऊँ? नहीं, सीता के सर पे हाथ रख के कसम खाने के लिए कह रहा हूँ मैं। सीता की क्यों खाऊं? आपके सर पे हाथ रख के खाता हूँ ना। मेरे ऊपर? हाँ, कसम तो कसम ही होती है ना पिताजी। देखो सीता, पिताजी की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने ना कभी तुम्हें धोखा दिया और ना ही कभी दूंगा। अरे वाह, अब मेरी जान में जान आई। इतना खुश मत हो बहू। अगर 6 महीने तक मैं जिंदा रहा तो ये सच है, अगर मर गया तो ये झूठ है। इतना याद रखना, अब इसे खाना खिलाओ नहीं तो ये ताड़ के पेड़ की तरह सूख जाएगा। आइए ना, चलिए भी। हेलो डॉक्टर। कांग्रेचुलेशन श्रीराम, मनीषा का लड़का हुआ। थैंक यू वेरी मच। कहाँ है वो? थैंक्स मनीषा, थैंक यू वेरी मच। तुमने मेरा सपना सच कर दिया, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूँ? उसकी कोई जरूरत नहीं है, सच्चे दिल से आपने मुझे अपना बनाया, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है। भैया, भैया आपसे बात करनी है। बच्चा भाभी को देना है, ये बात मनीषा को बता दीजिए। इसी वक्त? हाँ भैया, देर हो गई तो वो बच्ची से दूर नहीं रह पाएंगी, बोलना पड़ेगा भैया। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, ये मैं उसे कैसे कहूँ? भैया ऐसा नहीं कर सकते आप, भाभी को दिया वचन भूल गए क्या? नहीं, 9 महीने जिस बच्चे को उसने अपने पेट में रखा, उस बच्चे को 9 मिनट में उसकी माँ से मैं कैसे अलग कर दूँ? मनीषा को पहले ही अपने से दूर रख के मैं बहुत बड़ा गुनाह कर रहा हूँ। अब माँ बेटे को अलग करके और गुनाह नहीं करूँगा, मैं उससे बच्चा नहीं मांग सकता। क्यों नहीं मांग सकते? हा? आप इसके पिता हैं, इसे ले जाने का हक जितना मेरा है उतना आपका भी है। मनीषा, मैं सच कह रही हूँ, वो मेरा बेटा बनकर मेरे साथ रहे उससे अच्छा वो आपका बेटा बनकर आपके साथ रहे। जाने अनजाने में मैंने सीता दीदी के साथ अन्याय किया, उनका पति मैंने उनसे छीन लिया, अब अपना बेटा देकर मैं अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। मनीषा, मैं ठीक कह रही हूँ, बच्चे को ले जाने के लिए दीदी को बुला लीजिए। अरे वो लोग आ गए, नाटक शुरू करो। तुम जाओ। भैया भैया, बाबूजी और सीता भाभी बच्चे को लेने आए।
रहा बच्चा, देख लीजिए। ये तो बहुत छोटा है, इस बच्चे की माँ कहाँ है? इसे जन्म देते ही वो इस दुनिया से चल बसी। वो क्यों रो रही? उनके बच्चे ने पैदा होते ही दम तोड़ दिया। अरे रे, भगवान भी कितना अजीब है, इस माँ से बच्चे को छीन लिया और इस बच्चे से माँ को छीन लिया। आप बच्चे को ले जाइए। इस प्यारे बच्चे ने तो मुझे माँ बना दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, चुप हो जाओ, क्या हुआ, चुप हो जाओ। मुझे माफ कर दीजिए, बच्चा भूख के मारे रो रहा था, एक माँ होने के नाते मुझसे ये देखा नहीं गया। दरअसल मैं एक माँ नहीं हूँ ना, इसलिए इस बच्चे के रोने की वजह नहीं समझ पाई, पर तुम तो एक माँ हो ना, इसलिए तुम समझ गई, तुमने मुझ पर एहसान किया। आप इसे ले लीजिए। रो मत बहन, जिस भगवान ने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की है वही एक दिन तुम्हारे साथ इंसाफ भी करेगा। भाभी जी, ज्यादा देर यहाँ पे रुके तो अपने खोए हुए बच्चों को याद करके ये और रोएंगी, इसलिए यहाँ से चलते हैं। अपना ख्याल रखना। आप चिंता मत कीजिए, अब आप भी जाइए। बाप तो बन गया लेकिन मैं अच्छा पति नहीं बन पाया। आ रहा हूँ। ओ भैया, बच्चा कैसा है? ठीक है, सीता उससे बहुत प्यार करती है। उसका नसीब अच्छा है। मनीषा कहाँ है? अंदर है ना। मनीषा, मनीषा, मेरे प्रिय श्रीराम, मैं आपकी इजाजत के बिना नेपाल जा रही हूँ। मैंने आपको पिता होने का सुख दे दिया, दीदी को माँ बनने की खुशी दे दी, मैंने आपका हंसता खेलता परिवार देख लिया और वो खुशी जिंदगी भर बरकरार रहे, इसीलिए मैं यहाँ से घर जा रही हूँ। अगर मैं यहाँ रहूँगी तो अपने बेटे को देखे बिना नहीं रह पाऊंगी और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ हो। आपकी मनीषा। बेटा ये कैसा है? अच्छा नहीं है। ये कैसा है? ये भी खराब है। बताओ ये कैसा है बेटा? ये आप जैसा दिखता है। अरे ये वाला? ये भी अच्छा नहीं है। जरा देखिए ना, इसे तो कुछ भी पसंद नहीं आ रहा। अभी दो लगाता हूँ, अपने आप पसंद आएगा। तुम हटो, चलो बताओ इन दोनों में से कौन सा पसंद है। आप मुझे धमकी क्यों दे रहे? पसंद नहीं आ रहा है तो मैं कैसे ले लूं? अबे छोटे शैतान, अभी अपने बाप को उंगली दिखा। अरे आप यहाँ ये, तुझे जो पसंद हो ले ले, चला जा। ये हुई ना बात। चल। ये नहीं सुधरेगा। जाने दीजिए, बच्चा है ना। ये बच्चा है? शैतान है ये। भैया देखो इसको। अरे ये कैसी ड्रेस पहनी है? मुझे ये वाली बहुत पसंद आई मम्मी। ये तो हमें मरवा ही देगा। नेपाल का खून है ना, आदत कहा जाएगी। ए, क्या ये गोरखा वाले कपड़े पहने? चलो उतारो। मैं नहीं उतारूंगा। तेरा तो बाप। अरे क्या कर रहे हैं, पहनने दीजिए ना इसे। छोटा सा वॉचमैन कितना प्यारा लग रहा है। वाह, क्या माँ बेटी है, वॉचमैन से कितना प्यार है। इस प्यार को बरकरार रखिएगा भाभी जी। अच्छा सुनिए, हमारा बेटा कहीं नजर नहीं आ रहा। क्या कह रहे, इस वक्त कहाँ गया होगा? वो कहीं नहीं जाएगा, यहीं कहीं होगा। चलो ढूंढते हैं उसे। चलिए। बेटा बेटा, अरे बेटा कहाँ हो? बेटा कहाँ? अरे कहाँ हो बेटा? बेटा बेटा बेटा, बेटा मेरे लाल। अरे क्या कर रहे हैं, एक तो टेंशन में हो और आप हैं कि सीटी बजा रहे हैं। सीटी तो तू बजा रहा है। मैं क्यों बजाऊंगा? अरे बाप रे, वो देखिए वहाँ।
हेलो अंकल। हाँ बेटा। नमस्ते। 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 बेटा तुमने ये कपड़े क्यों पहने हैं? मुझे ये बहुत पसंद है। ओ, अच्छा अच्छा बेटा, इतनी रात हो गई है तुम्हें नींद नहीं आ रही? वो क्या है ना अंकल, मुझे दिन में नींद आती है, रात को नहीं आती है। रात होते ही ये कपड़े पहनकर, ये लाठी लेकर दरवाजों को ठोकना और सीटी मारते हुए मोहल्ला घूमना मुझे बहुत पसंद है। पर बेटा वो तो वॉचमैन का काम है। हाँ तो मैं भी वही बनूंगा। इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे? मैं अंकल से बात कर रहा हूँ ना। इनसे क्या काम है? मुझे उनसे बहुत सारे काम है, आप बीच में मत आइए। दूंगा खींच के। छोड़ ना मेरे बच्चे को, छोड़। क्या कर रहा है तू? ये क्या कर रहा था? इसे ये सब अच्छा क्यों लग रहा है? वो क्या है ना, उस दिन नेपाली औरत का दूध पिया था ना, शायद इसीलिए। सिर्फ एक बार उसका दूध पीने से अगर गुरखा के लक्षण आ गए तो इतने सालों से जो ये गाय का दूध पीते आ रहा है, तब तो इसे गायों की तरह करना चाहिए, है ना? आखिर आप कहना क्या चाहते? बेटा मेरे हिसाब से तो ये किसी नेपाली की ही औलाद है। नहीं नहीं, नेपाली की औलाद नहीं हो सकता, नेपाली लड़की और हिंदुस्तानी लड़के की औलाद होगा। अच्छा, तू इतने भरोसे से कैसे कह सकता है मेरे बच्चे? मैं तो ऐसे ही तुक्का लगा रहा था। सुनिए जी, चाहे ये किसी की भी औलाद हो, क्या हो गया, अब ये हमारा बेटा है। ये तुमने बिल्कुल सही कहा सीता, चलो अंदर। नहीं, दाल में जरूर कुछ काला है और पता मैं लगाऊंगा। अरे बेटा रुको, मुझे नहीं चाहिए। रुक जाओ, मुझे छोड़ दो। क्या कर रहे हो? मुझे नहीं चाहिए मम्मी। अरे अरे अरे, मुझे नहीं चाहिए। क्या हुआ बेटा? देखिए ना पिताजी, कमर पर रस्सी नहीं बांधने दे रहा है, बोल बंधवाएगा कि नहीं? आजा मेरे बच्चे। मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अरे कहाँ जा रहा है? रुक जा, आज तो तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी, रुक। बेटा बोलिए पिताजी। जरा साइड में आ। पर क्यों? तुझसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में कुछ बातें करनी है। पहले यहाँ की पॉलिटिक्स तो ठीक से समझ लूँ। ये तुझे जल्दी समझ में आ जाएगा, आजा। क्या है, जल्दी बोलिए। मेरी माँ ने कहा था कि मेरे पिता बचपन में कमर पर रस्सी बांधने नहीं देते थे, और वैसे ही मैं भी कमर में बांधने नहीं देता था। अब ये रस्सी का क्या किस्सा है? पहले सुन तो ले, बचपन में तुम भी बांधने नहीं देते थे, मुझे पता है अभी भी नहीं। अगर आपको बांधने का इतना ही शौक है तो बांध दीजिए, मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए। मेरी बात ध्यान से सुन, अब तेरा गोद लिया बच्चा भी बांधने नहीं दे रहा है, क्यों बता? वो इसलिए कि हमारे घर में किसी को आदत नहीं है। है ना, मतलब इस बच्चे के साथ हमारा कोई खून का रिश्ता है। अगर नहीं होता तो वो भी मेरी और तेरी तरह रस्सी बांधने क्यों नहीं देता, ये बता, क्या मतलब है इसका? कोई मतलब नहीं है, खून का रिश्ता नहीं है तो क्या हुआ, हमारे साथ रहकर उसको भी आदत पड़ गई होगी। अच्छा तो एक बार ये देख। छी 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 छी, आप अपने आप को हीरोइन समझ रहे हैं जो इस तरह से अपनी चड्डी दिखा रहे हैं? अरे मैंने चड्डी देखने के लिए थोड़ी कहा। और क्या दिखाना चाहते हैं? अरे वो सब छोड़ और ये देख, जल्दी देख, ये क्या है? ये तो तिल है पिताजी। है ना, फिर ये क्या है, हैं? ये भी तिल है पिताजी। मेरे जैसा तिल तुझे कैसे मिला बेटा? क्योंकि मैं आपकी औलाद हूँ ना, इसलिए। ये सच है ना बेटा? तो इधर आ जा, आ जा। अब ये क्या है? इसे भी तिल ही कहते हैं पिताजी। है ना, तू मेरी औलाद है इसलिए मेरा हूबहू तिल तेरे शरीर पे आया, लेकिन हम दोनों जैसा तिल इसके शरीर पर कैसे आया? जिस तरह आपका तिल मुझे मिला उसी तरह उसके बाप को भी तिल होगा। इसका बाप कौन है? वो तो उसकी माँ को ही पता होगा ना। तो इसकी माँ कौन है बता? यहाँ ये स्टेशन के पास जोशी बैठा, उसे ये 5 रुपए दीजिए, वो बता देगा। जोशी के पास नहीं, अब मैं जिसके पास जाऊंगा वो मुझे सब कुछ बता देगा। हाँ, सब कुछ। क्या हुआ? इसमें लिखा है कि तुम्हारे जवाब बहुत बकवास है, अब तुम पढ़ोगे और जवाब मैं दूंगा। अरे यहाँ डॉक्टर मैं हूँ या तुम? ऐसे घटिया सवालों के जवाब के लिए डॉक्टर होना जरूरी नहीं है, सिर्फ थोड़ी अकल चाहिए। तुम पढ़ो, तुम लिखो, नजदीक आओ। अच्छा अच्छा ठीक है, पढ़ता हूँ। शिमला से विमला ने लिखा है कि डॉक्टर साहब मेरी शादी अभी तक नहीं हुई है, शादी से पहले बच्चा ना हो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए? बिस्तर में अपने अलावा किसी और को मत सोने दो। ओके। भोपाल से भूपेंद्र ने लिखा है कि मेरी उम्र जल्दी पढ़ो ना 20 साल की है और 3 बच्चों की गोल मटोल माँ मुझे चाहती है, मिलने पर क्या होगा? और क्या होगा, वो औरत 4 बच्चों की माँ बनेगी और वो खुद के बच्चे का बाप बनेगा, लिखो ना। चेन्नई से मिनी लिखती है कि डॉक्टर साहब बाबूजी आप आइए आइए, आप यहाँ अचानक कैसे? श्रीराम आजकल अजीब सा बर्ताव कर रहा है। आप उसे हॉस्पिटल भेज दीजिए, मैं टेस्ट कर लूंगा। उसकी जरूरत नहीं है, उसे जब मैंने डांटा तो उसने सब कुछ बता दिया, सब कुछ समझे। मुझे भगवान की कसम खिलाकर उसने सब कुछ बता दिया। मतलब पूरा बता दिया, पूरा का पूरा बताया, यानी कि नेपाल में जाके मनीषा से प्यार किया और शादी की सब कुछ बता दिया। सिर्फ शादी की ही बात नहीं, उसने सब कुछ बता दिया। तो क्या मनीषा मेरे घर में ठहरी थी ये भी बता दिया, और तो और मनीषा के बेटे को किसी और का बेटा बता के सीता भाभी को दे दिया ये भी बता दिया, मनीषा नेपाल चली गई ये भी बता दिया, उन्होंने आपको सब कुछ बता दिया। उसने कुछ नहीं बोला, तुमने सब कुछ बोल दिया। हेलो
हेलो, मनीषा बोल रही हूँ। अरे बाप रे, क्या हुआ आपको? नहीं नहीं कुछ नहीं, कैसी हो? मजे में ना? आप इतनी जोर से क्यों चीख रहे हैं? तुम दूर हो ना इसलिए। मैं नेपाल से नहीं पर यहीं से बात कर रही हूँ। यहीं से मतलब यहाँ से कहाँ से? आपके ऑफिस के बाहर जो टेलीफोन बूथ है ना वहाँ से। मेरे ऑफिस के बाहर से? हाँ, तुम वहीं खड़ी रहो। सुनो, तुम वहीं खड़ी रहो, मैं बस अभी पहुंच ही रहा हूँ। अरे मनीषा, अचानक तुम यहाँ कैसे? अचानक नहीं बेटा, मैंने ही बुलाया था। पिताजी, आप मनीषा को कैसे जानते? उस नालायक गिरीश को दो रखे दिए, उसने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया। इसने तुम्हें औलाद का सुख दिया और तुमने इसे अकेला छोड़ दिया। हमारे होते हुए तुमने ऐसा क्यों किया? मैं और क्या करता? तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मनीषा मेरी बहू बनके मेरे घर में रहेगी। घर में रहेगी? कुछ भी बोलते रहते, सीता कह रहे थे इसे कैसे ले आओ? मुझे नहीं पता, अगर वो मेरे साथ नहीं आई तो मैं किसी छत से कूद के अपनी जान दे दूंगा। हालात को समझो ना यार, इतनी जल्दी कैसे होगा? मुझे 10 दिन का टाइम तो दीजिए। ठीक है, लेकिन तब तक वो कहाँ रहेगी? गिरीश कहाँ रहेगी? ए जी सुनिए ना, हमारा बेटा कैसा है उसे देखने का बहुत मन है। कल स्कूल ले आऊंगा, वहीं देख लेना। एक मिनट रुको, ये पैसे लो, उस औरत के पास जाओ और कहो माँ मुझे एक आइसक्रीम दो, ठीक है? किसी को भी माँ क्यों बुलाऊं मैं? चुपचाप मेरी बात मानो, समझे? वो मेरी माँ है क्या? लेकिन दिखती तो माँ की तरह है ना। ये माँ नहीं, आंटी जैसी लग रही है। हाँ हाँ, मैं आंटी ही हूँ बेटा, आइसक्रीम तो खा लो। मुझे नहीं चाहिए। क्यों, अब क्या हुआ? माँ कहती है आइसक्रीम खाने से दांत खराब होते हैं, इसीलिए नहीं चाहिए। तेरा बाप कह रहा है कि आइसक्रीम खाने से कुछ नहीं होता, अब खा ले। आप ही खा लीजिए, मुझे नहीं चाहिए, बाय। ए, 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 बेटा जाने दीजिए, उसका लाड़ प्यार मेरे नसीब में नहीं है। माँ, बेटा, बेटा, अरे मेरे बेटा, क्या हुआ? आपने खून, ये तो खून बह रहा है। रो मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, रो मत, रो मत बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा। सुनिए, पति पत्नी के बीच में कोई राज नहीं होना चाहिए, पता है ना? हाँ तो? तो फिर आप मुझसे एक बात क्यों छुपा रहे हैं? कौन सी एक बात? कल स्कूल में क्या हुआ था? वो क्या है कि वहाँ ऐसा था कि... आपको बताने की जरूरत नहीं, इसने सब कुछ बता दिया है। इसने बताया? मैं अभी इसे ठीक करता हूँ। उस औरत ने हमारे बच्चे के लिए कितना कुछ किया है, अगर आप मुझे बता देते तो कम से कम उसका शुक्रिया तो अदा करती। सीता, अगर मुझे पता होता कि तुम इतनी खुश होगी तो ये बात तभी बता देता। वो औरत वाकई बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है वो, उसने अपनी साड़ी फाड़कर इसके पैर पे बांध दी थी। लेकिन साड़ी को क्यों फाड़ा? अरे इसके पैर पर चोट लगी थी ना, खून बह रहा होगा, इसलिए उसने साड़ी फाड़कर बांध दी। अच्छा, इसने वो बात बताई क्या? क्यों, आपको कुछ और लग रहा था क्या? नहीं नहीं, मुझे भी वही लगा। इतना कुछ किया, हमें उसे थैंक्स तो बोलना चाहिए ना, घर बुलाना चाहिए था ना उसे। हाँ, मैंने सोचा बुला लूं, लेकिन तुम्हें बुरा ना लगे इसलिए नहीं बुलाया। मुझे क्यों बुरा लगने लगा? चलिए, कहाँ जाना है? स्कूल जाना है। पर किस लिए? उसे थैंक्स बोलकर ये साड़ी दूँ। अरे इतने से काम के लिए तुम क्यों जा रही? मुझे दे दो, मैं दे दूंगा। आप ना आजकल कुछ ज्यादा ही भूलने लगे, ये भूल गए तो चलिए। हे भगवान, बचा लेना। इन्होंने मुझे वो कपड़ा बांधा था। सुनो बहन। अरे तुम, सुनिए, आपने इसे पहचाना क्या? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं पहचाना। आपको तो कुछ भी याद नहीं रहता, उस दिन हॉस्पिटल में इन्होंने ही तो हमारे बच्चे को दूध पिलाया था। ओ, अच्छा, हाँ, नमस्ते, कैसी हैं आप? मेरे बच्चे के साथ आपका कोई रिश्ता होगा। हॉस्पिटल में इसकी भूख मिटाई और कल इसकी मरहम पट्टी कर दी। आज के जमाने में ये सब कौन करता है? ये आपके लिए। मुझे नहीं चाहिए। देखिए, मना मत कीजिएगा। ले लीजिए ना, नेपाल की साड़ी है। ये लीजिए। अच्छा, उस दिन आपके पति आपको छोड़कर चले गए थे ना, वापस नहीं आए? वो अभी तक नहीं आया? बड़ा ही जलील आदमी है, आपको इस तरह छोड़कर चला गया, शर्म नहीं आती उसे? कीड़े पड़े।
पड़ेंगे उसे, कभी खुश नहीं रहेगा वो। एक दिन वो तुम्हारे पास जरूर आएगा, देखना। देखो सीता, इस तरह किसी को गाली नहीं देते। क्यों नहीं दे सकते? ओ भूल गए, आप भी मर मेरा मतलब है, इनके पति को इनके सामने ही गाली देंगे तो इनको बुरा लगेगा ना, आखिर ये उनकी पत्नी है। सारे मर्द एक जैसे होते हैं, तुम्हें पुलिस में उसकी कंप्लेन करनी चाहिए, उसकी टांगे तोड़ के तुम्हारे पास लेकर आ जाएंगे। सीता हाँ बोलिए ना। वो इनसे क्यों दूर है और कितनी तकलीफ उठा रहा है ये बिना देखे बिना जाने बिना सोचे मत बोलो। मैं तो यही कहना चाहती थी, इतनी अच्छी औरत को छोड़कर नहीं जाना चाहिए ना, पर आप तो समझते ही नहीं है ना। बहन तुम रहती कहाँ हो? मैं वो पास के मंदिर में रहती हूँ। अरे बाप रे, तुम्हारा अपना कोई घर नहीं? अरे बाप रे, अकेली कैसे रहती होगी वहाँ पर? आजकल जमाना भी कितना खराब है। हमारे पड़ोसी फिल्म देखकर आ रहे थे तो उन्हें चार गुंडों ने चाकू की नोक पर लूट लिया। एक काम करो, मेरे घर चलो। अपने घर में? हाँ क्यों नहीं, बेचारी अकेली है ना, घर में रहेगी और काम में मदद कर देगी। मेरा मतलब जान ना पहचान, किसी को भी अपने घर पर रखना बिल्कुल भी सेफ नहीं होता सीता। ऊपर से मैं मर्द हूँ और ये जवान है, कल दुनिया हमारे बारे में क्या कहेगी? दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, मुझे आप पर और इस पर पूरा भरोसा है। भरोसा तो है, लेकिन इनके आने के बाद कोई छोटी मोटी गलती? मैं सब कुछ संभालूंगी, ठीक है? तुम संभालोगी तो ठीक है। चलो बहन, रहने दीजिए ना। नहीं, तुम मुझे अपनी दीदी समझना। अब चलो चलो, तुम स्कूल जाओ बेटा, जाओ बेटा, चलो। गिरीश, तुमने कुछ गोलमाल करके उन दोनों की शादी तो करा दी, अब कोई उपाय सोचो मनीषा को मेरी बहू बनाकर इस घर में लाने का। उसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। आपकी उम्र है सिर्फ 25 साल। अपना मुंह बंद कर गधे, मेरी उम्र 60 की है। अरे सुनिए, मैं अभी की नहीं फ्लैशबैक में जाने की बात कर रहा हूँ। बिजनेस टूर में आप नेपाल गए हैं, वहाँ गलती से आपका पैर फिसला और आप काम वाले के ऊपर गिर गए, वो प्रेग्नेंट हो गई, आप इंडिया गए और देखते ही देखते आपके ये 25 साल बीत गए। आप ऐसे ही जनरल चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ पे वही काम वाली बाई लेटी हुई है और आपको देखकर वो कहती है, अजी सुनिए तो, मैं वही हूँ नेपाल वाली लड़की, और इतना कह के अपनी बेटी मनीषा का हाथ आपके हाथ पे रख देती है। अब इसका ख्याल आपको रखना होगा। यही सेम टू सेम स्क्रीन प्ले और स्टोरी सीता भाभी को सुनाकर आप मनीषा को यहाँ ला सकते हो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व। कैसा लगा आइडिया? मुझे तो लगा था आइडिया सुन के इनाम देंगे, थप्पड़ मार दिया। मेरा और उस काम वाली की लड़की का क्या रिश्ता है? आपकी बेटी वो है। लड़की मेरे बेटे की क्या लगती है? बहन की। अरे बाप रे, ये मैंने कैसी स्टोरी बना दी। भैया बड़ी भाभी को मना कर छोटी भाभी को अपने साथ घर ले आए। तीनों को एक साथ आता हुआ देखकर मेरा मन तो गार्डन गार्डन हो गया रे। उनको दरवाजे पर रोक दो, मैं अभी बहू के लिए आरती लेकर आता हूँ। रुकिए रुकिए रुकिए, क्यों बाबूजी अभी आरती लेके आ रहे? आरती? हाँ। वो किस लिए? स्वागत है मेरी बेटी का, स्वागत है बेटी का। किस लिए पिताजी? ये हमारा रीति रिवाज है, दाया पांव उधर। क्या कर रहे हैं सीता, कोई नई नवेली दुल्हन है क्या? ये आरती सीता के लिए नहीं, इसके लिए है। आजा बेटी। कोई काम वाली का स्वागत आरती से करता है क्या? काम वाली बना के लाए हैं। ये काम वाली है? हाँ पिताजी, इस बेचारी का यहाँ पर कोई नहीं है। बेटा कैसे कोई नहीं है उसका, वो है मैं। हाँ पिताजी, आप और मैं तो इसके लिए है ही, लेकिन ये अनाथ है, अनाथ। ये अकेली रहती है, इसके लिए घर में खाना बनाने के लिए रखा है। ठीक है, कोई बात नहीं बेटी, दाया पांव अंदर रख के आना, ये हमारे घर का रीति रिवाज है। पिताजी बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं, अब चलो अंदर। बेटा, जिस औरत ने तुझे बाप और मुझे दादाजी बनाया, उसे इस घर की कामवाली बनाकर लाया, तुझे शर्म नहीं आई? हाँ शर्म आ रही है, लेकिन क्या करूं? तुझे जो करना है कर, लेकिन 10 दिन के अंदर ये कामवाली मनीषा, जो तेरी पत्नी है, मेरी बहू है, अपने बच्चे को माँ और सीता को बहन और इस घर की मालकिन की हैसियत से रहनी चाहिए, वरना मैं कुछ कर बैठूंगा। समझ गया ना? खुदकुशी ही करेंगे ना? नहीं बेटा, सीता को सच्चाई मैं बताऊंगा। ठीक है तो मैं ही खुदकुशी कर लेता हूँ। ये सच में कहीं ऐसा ना कर बैठे। चिंता मत कीजिए, भैया बड़ी भाभी को मनाकर छोटी भाभी को इसी घर में अपने साथ रखेंगे, देख लेना। अगर ये सच हुआ तो मुझे इस जन्म में और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरा बेटा उन दोनों के साथ। ये हाथ ये पकोड़े हैं, खाने के लिए लाया। मुझे भी थोड़ा देना। नहीं दे, बहुत भूख लगी। मैंने कहा ना नहीं दे सकता। क्यों रे, तूने ये पकोड़े जापान से मंगाए हैं क्या? चिल्लाइए मत, ये पकोड़े नहीं फूल हैं। ये फूल किसके लिए? आपके लिए, बालों में लगाइए और कथकली की। मजाक कर रहा है? पता नहीं है फूल किसके लिए होते हैं। वही तो, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये फूल घर वाली के लिए है या बाहर वाली के लिए है।
बाहर वाले। मनीषा रसोई घर में है तो जल्दी जा। थैंक्स। आप चोरों की तरफ क्यों आ रहे हैं? वो मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। हाथ में क्या है? फूल है। किसके लिए? तुम्हारे लिए और किसके लिए? शादी को इतने साल हो गए, पहले तो कभी नहीं लाए, आज क्या हो गया आपको? बस ऐसे ही मन किया इसलिए। अच्छा तो खुद ही लगा दीजिए ना। क्या सोच रहे हैं? यही कि बालों में जुए तो नहीं ना। ये सारी बातें छोड़िए और जल्दी लगा दीजिए। ठीक है, हो गया। फिट है, फिट है, मस्त है। थैंक्स। चलिए आप नहा लीजिए ना। तुम चलो, मैं आता हूँ, आता हूँ। मनीषा, सॉरी मनीषा, वो फूल तुम्हारे लिए लाया था लेकिन बीच में वो आ गई तो मुझे। पहले तो उन्हीं का हक बनता है ना। मैंने चोरी छुपे आधा गजरा तुम्हारे लिए बचा लिया, लाओ लगा देता हूँ। सुनिए, कोई देख लेगा तो? अरे कोई नहीं देखेगा, तुम पीछे पलटो ना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? आपको देखकर फूल लगाना सीख रहा था पापा। तुम्हारी माँ को लगाता हूँ उसी तरह इस माँ को, नहीं नहीं आंटी को लगाता हूँ। मम्मी को तो पापा फूल लगाते हैं, लेकिन आपने इनको क्यों लगाया? ये भी माँ जैसी है, माँ को लगाया और इन्हें फूल नहीं लगाया तो ये बुरा मान जाएंगी। बेटा माँ को तो नहीं बोलोगे ना? अगर बोलूँगा तो क्या होगा? मेरी जेब में बॉम्ब रख के मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगी। इतना डरते हैं तो क्यों लगाया पापा? क्योंकि मुझे नहीं पता था कि तुम देख लोगे। देखो बेटा, तुम्हें चॉकलेट, पिज्जा, बर्गर सब खिलाऊंगा। अरे ये क्या क्या कर रहे हैं आप इसके साथ? नहीं कुछ नहीं, मैंने कुछ मैथ्स के सवाल पूछे तो इसने गलत जवाब दिया। मैंने कहा सही जवाब दोगे तो चॉकलेट दूंगा, है ना बेटा? नहीं नहीं मम्मी, पापा फूल लेकर तुमको लगाते हुए देखा तो कह रहा था कि हर रोज लगाते रहना पापा, है ना? नहीं मम्मी पापा। अरे तुम्हारे मुंह से गंदी बात आ रही है, चलो 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 ब्रश करते हैं। ये लो मनीषा, ये रखो। ये सब किस लिए दी? रख लो, मैं इन्हें नहीं पहनती। पिताजी, मेरी घरवाली कहाँ है? शायद ऊपर है। और बाहर वाली? वो शायद किचन में है। छोटा शैतान ट्यूशन पे गया है, लेकिन तू क्यों पूछ रहा है? ये घर खतरों से भरा है, इसलिए पहले से ही तैयारी कर रहा हूँ। अरे वाह मेरी बाहर वाली, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, तुम कितनी खूबसूरत हो। चिल्लाओ मत, वो सुन लेगी। कितने दिनों बाद तुमसे इस तरह मिला हूँ, न जाने इस पल का मुझे कब से इंतजार था, तुमसे बात करने का मौका भी नहीं मिल रहा है जानू। क्या बताओ कितना अच्छा लग रहा है। ये क्या किया आपने? क्या किया? इतने दिनों से तो मुझे यही लग रहा था कि आप भगवान श्री राम का रूप है, लेकिन आपका असली रूप तो ये है। बताइए मुझे, किसे समझकर पकड़ा था मुझे आपने? किसे समझकर पकड़ा था? मतलब तुम्हीं को समझकर पकड़ा था? तो फिर ऐसा क्यों कह रहे थे कि इतने दिनों के बाद तुमसे गले मिल रहा हूँ? और कल रात को ही तो आप रात से, मतलब अब तक 18 घंटे हो चुके और 18 घंटे बहुत होते हैं। फिर ऐसा क्यों कहा कि मुझसे दिल खोल कर बात देने? इससे पहले हमेशा तुम्हारे साथ कितना वक्त बिताता था, लेकिन जब से ये काम वाली आई है ना तो ठीक से तुम्हारे साथ बात भी नहीं कर पा रहा हूँ, जीना मुश्किल हो गया है। अब सच बोल रहे हैं ना, या आपकी कोई और भी है? सीते, तुम अपने राम पर, इस श्री राम पर शंका कर रही हो? हे भगवान, अब मैं जिंदा नहीं रह सकता, अभी के अभी मैं इस गैस को लीक करके अपनी जान दे देता हूँ, मुझे मरने दो। आज तुमने मुझ पर शक किया, अब मैं किसी काम का नहीं, मैं जान देकर ही रहूंगा। अबे निकल, आप ऐसी बातें कर रहे थे इसलिए मैंने सोचा कि माफ कर दीजिए ना मुझे। अब बस करो, कितने अरमानों के साथ तुमसे प्यार करने का, तुमसे प्यार करने का मूड बनाया था। तो चलिए ना कमरे में चलते हैं। कुछ नहीं हो सकता, तुमने मेरे मूड का सत्यानाश कर दिया। ये क्या, गलती हो गई, अपने भगवान जैसे पति पर मैंने शक किया, मुझे माफ करना भगवान। सुनिए, इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट देखिए, हिंदी में 2, मैथ्स में 0 और इंग्लिश में 3 मार्क्स है। हे, ये कैसे मार्क्स है? ठीक से एग्जाम नहीं दिया ना, दिमाग में भूसा भरा है। मुझे क्या पता, जबान लड़ाता है मुझसे, दूं क्या है? अब क्या आप मारेंगे मुझे? तो क्या तेरी पूजा करूं? बालों में फूल माला लगानी है। ए, डैडी मार्क्स के बारे में पूछ रहे हैं, फूल के बारे में नहीं। मजाक करके खुद को बचा रहा है क्या? मैं कोई मजाक नहीं कर रहा पापा, मैं सच सच बोल रहा हूँ। ये आजकल बार बार फूल के बारे में क्यों बोलता है? सब आज की फिल्मों का असर है। जाओ, तुम जल्दी से मेरे लिए चाय लेकर आओ। जाओ जाओ मेरे लाल,
उस फूल की बात को भूल जा, बदले में तू जो मांगेगा मैं तुझे दूंगा। अब आए ना आप लाइन पर। अच्छा सबक सिखाया ना आपने इसे? बहुत अच्छे से सिखाया मम्मी। ये ऐसे जवाब क्यों दे रहा है? आपने इसे सिखाया कि इसने आपको सिखाया? मैंने इसे और इसने मुझे सिखाया, बहुत अच्छे से सिखाया है ना बेटा। आप ऐसे ही लाड़ करते रहेंगे ना तो ये आपके सर पर बैठेगा। अच्छा है, जाने दो। वैसे तुम क्या लेने जा रही हो? तुम तो चुप ही रहना, सब्जी लेने जा रही है। वापस आकर देखती हूँ तुझे ना लाया। देखो तुम्हें खेलने का आज बहुत अच्छा मौका है, जाओ जाओ जाओ। अरे वाह, नेपाल जाने की सड़क बिल्कुल साफ है। कोई आ जाएगा छोड़। अरे आने तो ना, मैं किसी से डरता हूँ क्या? दीदी आ गई तो? वो सब्जी लेने गई है, एक घंटे तक नहीं आएगी। अरे अरे, घर में हरी मिर्च है कि नहीं अभी देख कर आती हूँ। छोड़िए ना। क्या छोड़िए ना, ऐसा मौका बार बार थोड़ी ना मिलता है। अच्छा मनीषा, घर में हरी मिर्च। सीता तुम यहाँ कैसे? क्यों, आपको क्या लगा कि मैं चली गई? मुझे लगा कि ये तुम हो। आपके सामने ही तो बाहर गई थी, इतनी जल्दी बाहर जाकर वापस कैसे आ जाऊंगी? जैसे अभी आ गई वैसे आ गई। हम दोनों में कोई फर्क नहीं है क्या? कैसे समझ में आएगा, इसकी गुलाबी साड़ी देखकर लगा कि तुम हो और मैंने पकड़ लिया। बस बहुत हो गया। क्यों मनीषा, इन्होंने पकड़ा और तुम चिल्लाई भी नहीं, बेशर्म कहीं की। तू भी मजे ले रही थी क्या? उसे लगा चिल्लाने से मेरी इज्जत पर असर पड़ेगा। सुनिए जी, अब से आप रसोई घर में बिल्कुल नहीं आएंगे। कुछ भी चाहिए होगा तो मुझसे कह दीजिएगा, मैं लाकर दे दूंगी। ठीक है। देखो मनीषा, तुम एक जवान और खूबसूरत औरत हो, मेरे पति तुम्हारे पास आए या तुम मेरे पति के पास जाओ, दोनों में नुकसान तो मेरा ही है। मतलब कि मैंने जो तुम्हें नायलॉन की साड़ी दी थी ना, वो तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें एक नई वाली साड़ी लाकर देती हूँ, ठीक है? हेलो श्रीराम स्पीकिंग। मैं तेरा बाप स्पीकिंग। हाँ तो बोलिए ना। तू जल्दी से सिनेमा हॉल आ जा फिल्म देखने के लिए। फिल्म देखने के लिए? वो भी आपके साथ? हरगिज नहीं। बेवकूफ, मेरे साथ देखने के लिए नहीं, अपने बाहर वाली के साथ देखने के लिए, समझ गया तू? खाना पीना उसके साथ, मजे करना। यानी मनीषा के साथ? मनीषा के साथ? तो फिर सीता कहाँ है? सीता अपनी सहेली के साथ उसके घर पे गई है। अच्छा आप लोग वहीं रुको, मैं बस दौड़ कर आता हूँ। आ गया आ गया आ गया। पिताजी आपको अकल वकल है कि क्यों? मनीषा को फिल्म दिखानी है तो ठीक है, लेकिन कोई नई फिल्म दिखानी चाहिए ना, ये सड़ी हुई फिल्म दिखाएंगे? मेरे अकल के अंधे बेटे, लेटेस्ट फिल्म देखेगा तो भीड़ होगी, पुरानी पिक्चर में भीड़ नहीं होती। इसमें तुम बैठकर आपस में गुटरगू कर सकते हो, नो टेंशन, नो टेंशन एट ऑल। भैया टिकट जल्दी जाओ। तुम लोग नहीं आ रहे हो? हम लोग कबाब में हड्डी क्यों बने, आप जाइए ना। अभी टाइम है, थोड़ी देर रुको ना। सुनिए वो आ गई। यही फिल्म का नाम है? अरे मैं कह रहा हूँ भैया वो आ गई। वो नहीं रे पागल, सुनिए वो आ गई। फिल्म का नाम नहीं है भैया, वो आ गई। फिर से वही बात कर रहा है, ऐसा बोल, सुनिए वो आ गई। सुनिए वो आ गई फिल्म का नाम नहीं है, सामने देखो भाभी आ गई। क्या मेरी बीवी आ गई? अरे बाप रे, वो भी फिल्म देखने आ रही है। पिताजी बताइए, ये प्लान आप ही का था ना? अबे चुप, ये मेरा प्लान नहीं है। क्या पता ये यहाँ कैसे आ गई? तो क्यों आई है ये मैं पता करूंगा, पहले आप इसे लेकर अंदर चले जाइए वरना आफत आ जाएगी। चल 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 अंदर चल। मैं यहाँ कहाँ जा रहा हूँ, भागो। सीता आप यहाँ कैसे? तुम्हारे लिए आया हूँ। पर आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ आने वाली हूँ? वो क्या है कि मैं यहाँ से जा रहा था तो तुम्हें ऑटो से उतरते हुए देखा तो मैं भी आ गया। चलिए ना, साथ में कई दिनों से फिल्म नहीं देखी, देखते हैं। नहीं हम ये फिल्म नहीं देखेंगे। क्यों? पुरानी है ना, हम नई फिल्म देखते हैं। पुरानी है पर अच्छी फिल्म है, इसमें दो बीवियों की कहानी है। तो मना कर रहा हूँ, अगर इतनी पुरानी फिल्म देखनी है तो बाजू वाले थिएटर में मुगले आजम चल रही है, वही देखते हैं। अगर आपको देखना है तो देखो, मैं और मम्मी यही फिल्म देखेंगे। चुप रहो। देखिए ना, इससे भी ये फिल्म देखनी है, हम चलते हैं। चलो बेटा। हाँ ठीक है। सीता सीता हम उस कॉर्नर पर बैठते हैं। मम्मी मम्मी हा? मैं दादाजी के पास बैठता हूँ। दादाजी यहाँ कैसे हो सकते हैं? वो है ना आंटी के साथ। छी छी, वो मनीषा पिताजी की बेटी की उम्र की है और वो मनीषा के साथ फिल्म देख रहे थे। अरे बेटी ही समझ कर लेके गए होंगे। अगर ऐसा है तो हमें बता सकते हैं ना, राज रखने की क्या जरूरत है? बेटी है ना, हमें बताने की क्या जरूरत है? आप अपने पिताजी की तरफदारी मत करिए, वो आएंगे तो पूछिएगा उनसे। ये अच्छा नहीं लगेगा ना। क्यों अच्छा नहीं लगेगा? अगर हम चुप रहेंगे तो कल वो मनीषा को पार्क में ले जाएंगे, पब में ले जाएंगे। ऐसा है तो जरूर पूछूंगा। हाँ पूछिएगा। उस फिल्म में हीरोइन का डांस देखकर मुझे भी नाचने का बहुत मन किया। देखिए वो आ गई, जल्दी जाकर पूछिए। अभी जाकर पूछता हूँ। इसलिए कहते ओल्ड इज गोल्ड। रुक जाइए, कहाँ से आ रहे हैं?
तुझे नहीं पता कि हम कहाँ से आ रहे हैं? पता है, इसीलिए पूछ रहा हूँ। पता है ना, फिर भी क्यों पूछ रहा है? वो इसलिए कि एक्टिंग कर रहा हूँ, समझ जाइए ना। इस उम्र में आपको फिल्म देखने का शौक क्यों है, वो भी एक शादीशुदा कामवाली के साथ? उसका पति बुजदिल की तरह छोड़कर भाग गया, इसलिए मैं उसका दिल बहलाने के लिए थोड़ी देर के लिए फिल्म दिखाने ले गया। और क्या? और क्या का मतलब? जरा डांट कर पूछिए ना। हाँ, पूछता हूँ। आपको अगर उसे फिल्मी दिखानी थी तो आप बालकनी में बैठ सकते थे और उसे स्टॉल में बिठा सकते थे, आपने ऐसा क्यों नहीं किया? मनुष्यों में भेदभाव नहीं करनी चाहिए, ऐसा किसी बुजुर्ग ने कहा था। अगर तुझे इतना ही प्रॉब्लम है तो कल से तू फिल्म दिखाने लेकर चले जा। ये आपने बिल्कुल सही कहा। क्या कह रहे हैं आप? उसके साथ फिल्म देखने जाएंगे, कल दुनिया वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे? बताइए क्या कहेंगे। और मनीषा तुम, ये तो बुजुर्ग इंसान है, इन्होंने बुलाया और तुम चली गई, तुमने मना क्यों नहीं किया? इसलिए मना नहीं किया क्योंकि मना किया तो कहीं नौकरी चली गई तो, यही सोचा था ना। आइंदा इनके साथ कहीं भी मत जाना, चलो। आप खड़े खड़े घूर क्या रहे हैं, चलिए आप भी अंदर जाओ। डर गए दोनों बेचारे, आइंदा ऐसा कभी नहीं करेंगे। एकदम सही पूछा आपने, चलिए ना। A for apple, B for ball. मम्मी मुझे बहुत भूख लगी है, खाना दे दो ना। हाँ बेटा, नहाने के बाद दे दूंगी। अभी चाहिए, बहुत भूख लगी है मम्मी। कहा ना नहाने के बाद दे दूंगी, चुप रहो। मम्मी खाना दो ना। रो मत बेटा, खाना मैं खिलाती हूँ। मुँह खोलो, ये लो। हाँ खाओ, आ खाओ बेटा, तुम्हें भूख लगी है ना, पेट भर के खाओ। आज से मैं तुम्हें रोज खाना खिलाऊंगी। पेट भर गया, थोड़ा सा खाना और खा लो। हाँ ये लो। अगर कभी अपने हाथ से मेरे बेटे को खाना खिलाया तो हाथ तोड़ दूंगी। उसे बहुत भूख लगी थी। ए, उसकी भूख के बारे में तुम्हें ज्यादा पता होगा या मुझे पता होगा? अपनी औकात मत भूलो तुम। दीदी मेरी बात चुप रहो। जब देखो दीदी दीदी, मुझे दीदी बनाया, उन्हें यार बनाया, अभी से अपना बेटा बनाना चाहती हो क्या? हमने तुम्हें सहारा दिया है, उसका फायदा मत उठाओ। और तू, तुझसे कहा था ना मैंने नहाने के बाद खिलाऊंगी, फिर इससे क्यों कहा तूने? कुछ देर रुक नहीं सकता था क्या? चुप कर, माँ से सवाल लड़ाता है, तुझे तो मैं ठीक करती हूँ, चल। अच्छा है, बहुत अच्छा है। माँ अपनी औलाद को खाना नहीं खिला सकती और एक बाप जो खड़े हुए तमाशा देख रहा है, लेकिन एक बाप होने के नाते मैं ये देख नहीं सकता बेटा, मैं ये देख नहीं सकता। अनीशा, कैसी बेवकूफ हूं ना मैं, तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया, मुझे माफ कर दो। ये आप क्या कह रही हैं? मेरा इकलौता बेटा है वो, मैंने भले ही उसे जन्म ना दिया हो पर जान से ज्यादा प्यार करती हूँ उसे। वो तुम्हारे साथ रहकर कहीं मुझसे दूर ना हो जाए, मुझे हमेशा यही डर सताता रहता है। आपकी जगह अगर मैं होती तो शायद मैं भी यही करती। मुझसे नाराज है ना, इसीलिए दीदी नहीं कह रही है। ऐसा नहीं है, आप मेरी दीदी हैं और मैं आपकी छोटी बहन। बेटी, घर में 10-10 नौकर हैं, फिर भी तुम काम कर रही हो, ये मुझसे देखा नहीं जाता। मैं कहीं और थोड़ी काम कर रही हूँ, ये तो मेरा ही घर है ना। यही काम अगर घर की बहू की हैसियत से करोगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं किसी बाहर वाले के लिए थोड़ी काम कर रही हूँ, मैं अपने पति, बेटे, दीदी और आपके लिए कर रही हूँ। इससे ज्यादा नसीब वाली बात और क्या होगी? ये नसीब नहीं है बेटा, ये तुम्हारे पति का श्राप है। वो तुम जैसी औरत को महारानी की जगह नौकरानी बनाकर। बाबूजी उन्हें कुछ मत बोलिए, वो बेचारे क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर रहा है, यही तो समस्या। अरे बाबूजी आप क्या करें? कम से कम इस तरह तुम्हारी मदद करके मेरे दिल को ठंडक पहुंचेगी। इस घर में मैं तुम्हें बीवी का दर्जा देना चाहता हूँ, तुम्हें जो चाहिए वो मुझसे मांगना। तुम मेरी बेटी की तरह हो, तुम्हारा दुख मेरा दुख है। आइए देखिए आपके पिताजी की रासलीला। बस इतनी सी बात।
डॉक्टर ने कसरत करने को कहा ना, इसीलिए धो रहे हैं। कसरत नहीं है, कह रहे थे इस घर में तुझे बीवी का दर्जा देना चाहता हूँ, जो चाहिए वो मांग लेना, अगर आपने जल्दी कुछ नहीं किया तो वो मेरी सास बन जाएगी। सीता, शक करने की भी हद होती है, मेरे पिताजी ऐसे इंसान नहीं है, आइंदा ऐसी घटिया बात कभी मत करना। मनीषा का इस घर में रहना ठीक नहीं है, किसी भी तरह उसे इस घर से निकालना ही होगा। ये इतने सारे गुरखा यहाँ क्या करने आए हैं? यहाँ मेला लगा हुआ है क्या? इस इलाके में वॉचमैन की बहुत कमी है, इनमें से कुछ रख लेंगे। रुको रुको, सीधे कहाँ घुसे आ रहे हो, ये सराय नहीं है। मेरा नाम रतन सिंह है, इनकम टैक्स। मेरा नाम राम, सेंट्रल एक्साइज है। मेरा नाम लखन, कस्टम्स है। मेरा नाम बिंद्रे, सेल्स टैक्स। हे भगवान, लगता है श्रीराम ने कोई बड़ा घोटाला कर दिया है, एक्साइज डिपार्टमेंट का पूरा ऑफिस रेड मारने आ गया। हम कैसे रेड मारेंगे, वो तो ऑफिसर्स मारेंगे ना। मतलब तुम सब लोग ऑफिसर्स नहीं हो? नहीं, हम उनके घरों के गुरखा हैं। अरे तुम सब लोग गुरखा हो तो इतना बड़ा चढ़ा के क्या बोल रहे थे? तो तुम सब यहाँ क्यों आए हो बे, चंदा लेने आए हो क्या? अरे नहीं साहब, लड़की देखने आए। लड़की देखने आए? हाँ पिताजी। हमारे घर में शादी के लायक लड़की कौन है? मनीषा है ना। क्या, अपनी मनीषा? अपनी मनीषा नहीं, अपनी काम वाली मनीषा, यूं कहिए। आइए ना। अब आइए आइए, बैठिए, मैं अभी मनीषा को लेकर आती हूँ। अभी ये हो क्या रहा है? मुझे क्या पता बाबूजी, मुझे लगता है कहानी क्लाइमेक्स की ओर जा रही है। श्री राम कहाँ है? हेलो बेटा, हमारे घर में आग लग गई है। तो आप फायर ब्रिगेड वालों को फोन कीजिए ना, वो आकर आग बुझा देंगे। अरे उस तरह की आग नहीं, मेरा मतलब है यहाँ कई लोग शादी का रिश्ता लेकर आए हुए हैं। पिताजी, आप इस उम्र में शादी करेंगे क्या? रिश्ता मेरे लिए नहीं है, मनीषा के लिए है। क्या कहा, मनीषा के लिए रिश्ता? ये क्या, तुम ऐसे ही बैठी हो, तैयार हो जाओ, वो लोग आ चुके हैं। पर कौन दीदी? हाँ बताती हूँ, मैं भूल ही गई थी, अपना मंगलसूत्र उतार। और क्या, अरे बाद में फिर से पहन लेना, अभी तो निकाल। नहीं नहीं, मैं नहीं निकालूंगी, मैं नहीं निकालूंगी। अच्छा ठीक है, उसे अपने पल्लू के पीछे जरूर छुपा लेना, अब तैयार तो हो जा, चल। अरे आओ बैठो, यही है हमारी मनीषा। अच्छा बेटा देख, तुम शर्मा क्यों रही हो, दूल्हे को तो देखो। दूल्हे को देखो, दूल्हा किस लिए दीदी? तुम्हारी दूसरी शादी करवाने वाली है। डरो मत, इन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, इन्हें कोई एतराज नहीं है। नहीं नहीं, मैं ये शादी नहीं करूंगी। मनीषा मैं अभी आती हूँ। मनीषा ये क्या किया तूने, कितनी मेहनत से बुलाया था मैंने उन्हें। दीदी दीदी, मैं शादीशुदा हूँ, मेरा पति है। कहाँ कहाँ है वो? आ गया तू, वो देख वही है जो तेरी दूसरी बीवी से शादी करने आया है। ए, निकलो यहाँ से, गेट आउट, सब निकलो यहाँ से, निकल निकलो निकलो यहाँ से, पूरा का पूरा खानदान यहाँ पे आ गया, खैराज बट रहा है क्या? देखो शादी करने से तुम्हारा अपना घर होगा, अपना पति होगा, चुपचाप मेरे साथ वहाँ चलो और उन्हें हाँ कर दो। नहीं नहीं दीदी, मैं ये नहीं कर सकती। क्यों, क्या तकलीफ है? पति के जिंदा होते हुए दूसरी शादी करना गलत बात है बहू। क्यों, इसमें क्या गलत है? इसका पति अब जिंदा है या मर गया किसी को कुछ पता नहीं, इसके सामने अपनी पूरी जिंदगी पड़ी है, ये किस तरह काटेगी, इसके बारे में कभी कुछ सोचा है आपने? सुनिए जी, इससे कहिए कि शादी के लिए तैयार हो जाए। मनीषा तुम शादी कर लो। नहीं मत करना। क्यों, क्यों नहीं कर सकती? एक शादीशुदा औरत की दोबारा कैसे शादी हो सकती? क्या गलत है इसमें, पति के मरने के बाद पति दूसरे दिन शादी कर सकता है, तो पत्नी क्यों नहीं कर सकती? उसका पति अब भी जिंदा है इसलिए। ऐसा पति जिंदा रहे या मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। दीदी ऐसा मत बोलिए, वो तो भगवान है। कहाँ है वो भगवान, सामने क्यों नहीं आता? एक दिन आएगा, तुम उसके लिए क्यों परेशान हो रही है? ये अकेली इस घर में रही है, मुझे पसंद नहीं है, जल्दी से इसकी शादी करवाओ और इसे निकालो इस घर से। ये कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी। किसकी रखेल बन के रहेगी ये इस घर में, आपकी या आपके बेटे की? आज तक मेरे पति ने मुझ पर कभी हाथ नहीं उठाया, यहाँ तक कि कभी डांटा भी नहीं, तुम्हारी वजह से आज मेरे पति बदल गए हैं, इन्होंने आज मुझ पर हाथ उठाया है, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो, तुम्हें आज यहाँ से निकलना ही होगा। चली जाओ। चली जाओगी दीदी, मेरे कारण आप लोगों में झगड़ा नहीं होना चाहिए, मैं अभी के अभी यहाँ से चली जाऊंगी। रुको, तुम यहाँ से नहीं जा सकती।
क्यों नहीं जा सकती? बोली ना पिताजी, आखिर क्या है आपके मन में? आखिर क्या रिश्ता है आपका इसके साथ? आज आपको पता नहीं होगा, आप इसकी शादी क्यों नहीं करवाना चाहते, बताइए पिताजी। इस घर पर जितना हक तुम्हारा है उतना इसका भी है। एक काम वाली की मेरे जितनी हैसियत? मनीषा काम वाली नहीं है, मेरी अपनी बीवी है, तुम्हारे लाडले बच्चे की असली माँ है ये। तुम्हारी तरह मनीषा भी इस घर की बहू है। भाभी, इसमें भैया की कोई गलती नहीं, वो तो सच्चे इंसान है। असल में नेपाल में ये हुआ कि इस तरह शादी करनी पड़ी। सबको खुश रखने के चक्कर में भैया आटे की तरह पिस गए। कितनी तकलीफ झेली है भैया ने। उसको उस हालत में देखकर मैं भी चुप रह गया बेटी, कुछ नहीं कर पाया मैं। आप इनकी तरफदारी मत कीजिए। सासू माँ के मरने के बाद आपने दूसरी शादी नहीं की, पर मेरे पति ने मेरे जीते जी दूसरी शादी कर ली। आखिर क्यों, क्या कमी है मुझ में? सीता शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो। हाथ मत लगाइए मुझे, आप सबने मिलकर मुझे धोखा दिया, मुझे अंधेरे में रखा, आप सबने मुझे पागल बना दिया है। बचपन से मैं भगवान श्री राम की पूजा करती आई हूँ और मैं आपको उन्हीं का रूप समझती थी, सोचती थी आप भगवान राम जैसे होंगे, मेरे अलावा किसी को नहीं देखते होंगे, लेकिन आप राम नहीं है, राक्षस है राक्षस। आप हमेशा मुझसे कहते थे कि मैं आपकी बहू नहीं, मैं आपकी बेटी हूँ बेटी, फिर ये अन्याय क्यों किया आपने? आपने मुझे धोखा दिया, बताइए ऐसा क्यों किया आपने? और तुम, मैं तुम्हें एक अनाथ समझती थी और तुम मुझे क्या कहकर बुलाती रही? दीदी, मैंने तुम्हारी बुरी हालत देखकर तुम्हारी मदद की, उसका ये सिला दिया तुमने? मैंने तुम्हें अपने घर में पनाह दी, उसका ये सिला दिया तुमने? मुझे एहसान फरामोश कहीं की? सीता प्लीज मेरी बात सुनो। आपने एक पति होकर मुझे धोखा दिया है, आपकी बात बिल्कुल भी नहीं सुननी है मुझे। आप मुझे कभी माँ नहीं बना सकते, ये जानते हुए भी मैं आपके साथ रही, फिर भी आपने ऐसा किया, क्यों किया मेरे साथ ऐसा? बच्चे ना होने का प्रॉब्लम उसमें नहीं तुम में है, दोष तुम में है। डॉक्टर ने कहा कि तुमको इस जन्म में बच्चे नहीं होंगे, दुनिया तुमको बांझ कहेगी, ये तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा, और यही बात श्रीराम बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, इसलिए मैंने ये बात छुपाई। मेरा बेटा राक्षस नहीं है, बिल्कुल उस भगवान राम की तरह है। मेरे लाख कोशिश करने के बावजूद भी मेरा बेटा मुझसे लड़ गया और दूसरी शादी करने से वो साफ साफ इनकार कर गया। औलाद नहीं होगी तो चलेगा, क्योंकि सीता मेरे लिए सब कुछ है। लोगों की बात सुनकर भगवान राम ने सीता पर शक किया, उसे जंगल भेज दिया, लेकिन मेरे बेटे को लोगों ने क्या क्या कहा फिर भी वो चुप रहा। उसमें कमी है, ये दोष अपने ऊपर ले लिया, लेकिन तुम पर उसने कोई भी आंच आने नहीं दी। अपनी औलाद को पैदा होते ही मनीषा से अलग करके उसने तेरी गोद में दे दिया। क्यों? क्योंकि तू मां सुनने के लिए बेताब थी, तुझे खुश रखने के लिए। जब भी ये तुझे मां कह के पुकारता, तब उसकी असली मां को कितना दुख पहुंचता, ये सिर्फ मुझ जैसा बाप ही समझ सकता है। तुम्हारी वजह से इसको कितनी तकलीफें झेलनी पड़ी ये तुझे नहीं बता सकता। मेरे राम ने भी बहुत आंसू बहाए हैं, ये मेरा दिल जानता है बहू। कहीं वो लोग मुझे कुछ कर ना दे, इसलिए इल्जाम अपने सर पर लेकर अपनी जान देने को तैयार हो गई। मनीषा की इसी इंसानियत को देखकर मैं उसे अपनाने पर मजबूर हो गया सीता। अगर ये सच्चाई मैं तुम्हें बता देता तो तुम मुझसे दूर हो जाती इस डर से। ये बात छुपाई मैं तुम्हारी आंखों में आंसू कभी नहीं देख सकता। हम दोनों की खुशी की खातिर इसने अपने बच्चे को तुम्हारी गोद में डाल दिया, हमारे घर में नौकरानी बनकर रही, यहाँ रहकर सबकी सेवा करती रही, लेकिन उफ तक नहीं किया, यहाँ तक कि तुमने हाथ उठाया फिर भी चुप रही। इसने हम दोनों के लिए कितना कुछ किया, इसका पति होने के बावजूद मैंने इसे अपने ही घर में नौकरानी बनाया। तुम ही मेरा पहला प्यार हो, तुम्हारी जगह और कोई नहीं ले सकता। यकीन मानो जो कुछ भी हुआ है अनजाने में हुआ है सीता, मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता था। मुझे छोड़कर मत जाना, अगर तुम मुझे छोड़कर चली गई तो मैं मर जाऊं। मैं अपने बच्चे की कसम खाकर कहता हूं। मनीषा, कहां जा रही हो तुम? सीताराम के बीच मेरी कोई जगह नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे जाने दीजिए। मैं अब तुम्हारे बारे
बारे में सब कुछ जान चुकी हूँ। अब मैं तुम्हें कैसे जाने दे सकती हूँ? भगवान राम की सिर्फ एक ही सीता थी और वो सीता मैं नहीं, आप है दीदी। मुझे जाने दीजिए। तुम मेरी बहन हो, बच्चे की माँ हो, तुम यहीं रुक जाओ। माँ आओ माँ। हाँ?